तोर मोर कही के ते माया माँ दीवाना हो गे ना ते दीवाना हो गे रे देखो मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे ना पहुना सही सब लहावे या न जाना एक दिन तोला छोड़ ले पड़ी ये मुसाफिर खाना पहुना सही सब लहावे या न जाना एक दिन तोला छोड़ ले पड़ी ये मुसाफिर खाना ये धर्मशाला में ये धर्म सब साना में सब लयाना जाना हो गे ना आना जाना हो गे रे देख मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे ना देख मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे रे मोर मोर कही के मोर मोर कही के ते माया माँ दीवाना हो गे ना ते दीवाना हो गे रे देख मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे ना देख मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे ना झन खेल धुरा माटी सुंदर पाए रतनला एक दन तो छोड़ ले पड़ी ए तन तनला झन खेल धुरा माटी सुंदर पाए रतनला काबर भुलावत हावत ऐसन नर तनला ये दे फोकला में यदि फोकला में तोर खाली खजाना हो गे ना खाली खजाना हो गे ना देख मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे रे देख मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे ना मोर मोर कही के मोर मोर कही के ते माया माँ दीवाना हो गे ना ते दीवाना हो गे रे देख मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे ना संग में जावे नहीं घर ये धर दुगानी खटिया में रोवत रही पे देवे नहीं पानी संग में जाए नहीं घर ये धर दुगानी खटिया में रोवत रही पे देवे नहीं पानी आजकल तो मतलब के जमाना हो गे ना ये जमाना हो गे रे देख मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे ना देख मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे रे मोर मोर कही के मोर मोर कही के ते माया माँ दीवाना हो गे ना ते दीवाना हो गे ना देख मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे रे देख मैना तोर पिंजड़ा पुराना हो गे ना बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय साहेब बंदगी साहेब आइए अब हम विचारों की ओर चलते हैं संत लोगों का पदार्पण हो गया है पिछले सत्र में तो समय अभाव के कारण संतों को उतना नहीं सुन पाए तो मैं कबीर आश्रम सक्रिय से पधारे हुए संत श्री अनिल साहब से निवेदन करता हूँ कि आप अपने क्रांतिकारी और मीठे वचनों से हम लोगों को आप्लावित करने की कृपा करें बोलिए सद्गुरुदेव की जय हेलो हेलो बोलिए सद्गुरु देव की जय हमारा कार्यक्रम 1:30 बजे समाप्त हुआ था
और अभी वर्तमान में 3:30 से 4:45 हो गया, 2.25 घंटा से ज्यादा हो गया। इतना धीरे चल रहे हैं, इतना मस्त मैने होकर के चल रहे हैं कि पूछना ही क्या है। आप लोगों से मैं कहा था कि समय का ध्यान देंगे, तो समय का ध्यान थोड़ा कम दिया जा रहा है। आइए, हेलो, थोड़ा बेस बढ़ाएंगे। मैं सुबह कुछ मिनट जीवन के विषय में कहने का प्रयास किया था। मैं सद्गुरु कबीर साहेब की ज्ञान चौतीसा के एक पंक्ति है उस पर कुछ चर्चा करूं और उसी पर कल भी दोनों टाइम उसी पर चर्चा करूंगा। एक पंक्ति पर, खखा चाहे खोरी मनावे, इसी पंक्ति पर से समय भी चर्चा किया जाएगा। सद्गुरु कबीर साहेब की एक पंक्ति। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, सद्गुरु कबीर साहेब एक अद्भुत और निराले संत हुए हैं, जिसके बारे में कहते ही बनता है। उनकी पंक्ति, उनकी साखी, उनके शब्द, उनके रमणी कहीं से भी उठा दो, कहीं से भी शुरू कर दो, ज्ञान का अथाह भंडार है जिसमें गोता लगाते रहो तो हर नए चीज, हर नए राज खुलते चले जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सद्गुरु कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, सद्गुरु कबीर साहब की पत्नी थे, बच्चे थे, इस तरह से विडंबना विद्वानों ने रचा। जो कबीर के बारे में जाने नहीं, वो कबीर के बारे में लिखना शुरू कर दिए तो अधूरा ही होगा ना। कबीर के बारे में तो संत ही बता सकते हैं। जो कबीर को पढ़ते हैं, कबीर को जीते हैं, कबीर का जीवन जीते हैं, वो उसके बारे में बता सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब कैसे, उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता, उनके बच्चे, ये सब रास्ते चले गए। और मुख्य चीज ये है कि कबीर साहेब कहाँ जन्मे, कहाँ से आए, कहाँ से गए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कबीर साहेब ने इस दुनिया में 120 साल रहे और 120 वर्षों में क्या देकर के चले गए, इतना अथाह भंडार देते चले गए। विज्ञान आज जिन चीजों को आज विज्ञान साबित कर रही है, उन बातों को सद्गुरु कबीर साहेब 625 वर्ष पूर्व कह करके चले गए। उसी की पंक्ति है सद्गुरु कबीर साहेब। मैंने कहा कि जब वो जिस क्षेत्र में कहते हैं तो एकदम अविचल अविरल होकर के एकदम अथाह सागर है उनके पास ज्ञान का। जब वो कहना शुरू करते हैं तो उनके शब्द शैली भी ऐसे बैठती है जो कि लगता है कि सच में एक अद्भुत। किसी ने कहा है कि वो सब हिंदी भाषा के डिटेक्टर थे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सोना सज्जन साधु जन जोरी टूटे सौ बार, कुंचन कुंभ कुमार का। जब एक शब्द शुरू करते हैं सोना, सा से शुरू करते हैं तो सोना सज्जन साधु जन, सा से लाइन से उसका लय जुड़ता है। सोना सज्जन साधु जन जोरी टूटे सौ बार, सा से फिर क से शुरू करते हैं तो कुंजन कुंभ कुमार का, कैसे शुरू करते हैं। उनके शब्दों में इतनी गणितज्ञ है, उनके शब्दों में इनके शक्ति है, जादू है। और उनको कहते हैं विद्वान की सद्गुरु कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। सद्गुरु कबीर की उन्होंने पढ़ा ही नहीं तो कैसे कह दिए। मैं अपनी पंक्ति पर आऊं, सद्गुरु कबीर की एक साखी, सद्गुरु कबीर की एक पंक्ति है ज्ञान चौतीसा का, खखा चाहे खोरी मनावे। खखा, खखा का अर्थ सद्गुरु कबीर साहेब ज्ञान चौतीसा में 34 अक्षरों के माध्यम से, हर अक्षर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उनका एक पंक्ति है खखा। खखा मतलब होता है शांति। शांति चाहते हो तो खोरी, खोरी ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, खोर गली, खोर गली कहते हैं ना,
गली खोर आप लोगों की छत्तीसगढ़ी शब्द है, खोरी मनावे। खोरी मतलब होता है अपने इंद्रियों को मना लो, आपकी पूरे दुनिया की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपका मन अशांत है, मन शांत हो जाएगा, शरीर अविचल, शरीर स्थिर नहीं है, शरीर स्थिर हो जाएगा, शरीर चंचल बना है, मन चंचल बना है, सब स्थिर हो जाएगा। आपकी संयम की परिभाषाएं खुल जाएगी। यदि सद्गुरु कबीर के एक साखी खखा चाहे, यदि शांति चाहते हो तो खोरी मना लो, अपने मन इंद्रियों को अपने वश में कर लो। केंद्र में है मन, मन को सुलझा लेंगे तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मन क्या चीज है, मन को बहुत लोग नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं क्या बताएं भैया, मन परेशान कर रहा है। मन परेशान नहीं करता है, मन को आप संचालित करते हो, मन को आप ऑपरेट करते हो, मन को आप दिशा देते हो, तब मन आपके हिसाब से चलता है। फिर आप मन में एक लत पड़ जाती है, लय हो जाती है, तब मन आपको संचालित करता है, तब मन आपको संचालित करता है। कोई आदमी शुरू से बीड़ी और सिगरेट नहीं पीता है, किसी मित्र के साथ जाता है तब पीता है, या अकेले में पीता है, धीरे धीरे मन नहीं होता है पर भी पीता है। जब लत लग जाती है तब अब बीड़ी सिगरेट उनको परेशान करता है। क्या हुआ, गलत दिशा दिए। इसलिए मन सद्गुरु कबीर साहब की और साखी है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। मैंने पहले ही कल सुबह के सत्र में कहा कि ठीक जीवन कैसे बदलता है, जीवन कैसे सुधरता है। जीवन सुधरता और बनता और बिगड़ता है अपने हिसाब से। हम अच्छे होते हैं तो जीवन अच्छा होता है, हम बिगड़ते हैं तो जीवन बिगड़ता है, और हम बनते हैं तो जीवन बनता है। हम ही हमारे जीवन के मालिक है। दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है, दूसरे को देश देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की माया की पूछना ही क्या है। क्यों भगवान को दोष देते हैं, कोई भगवान है इस दुनिया में? यदि आदमी को आदमी में भगवान नजर नहीं आया तो पूरे ब्रह्मांड में आप ढूंढ लो, देवी देवता नजर नहीं आएगा। देवी देवता का सिर्फ एक हवा है, सिर्फ एक हवा है। इंसान में भगवान नजर नहीं आया, माता पिता में भगवान नजर नहीं आया, घर के भाई भाई में, बहनोई में, बहनोई में, आपस में, देरान और जेठान में, आपस में, बच्चों में प्रेम नहीं है आपस में, उन लोगों में भगवान नजर नहीं आया। तो दुनिया के किसी भी मंदिर और मस्जिद में चले जाए, दुनिया के किसी भी तीर्थ स्थानों में चले जाए, कहीं आपको भगवान नहीं मिल सकता है। सिर्फ भगवान की कल्पना है, भगवान की कल्पना है सिर्फ, साफ शब्दों में। इसलिए भगवान आपको चाहिए तो भगवान आपके घर में है। आपका घर पूरा मंदिर होना चाहिए और आपके घर में रहने वाले सारे सदस्य देवी देवता नजर आना चाहिए। आपके घर पूरा मंदिर कोई कोने में स्थापित नहीं होना चाहिए, मंदिर किसी जगह पर स्थापित नहीं होना चाहिए। हर घर घर पूरा मंदिर बनना चाहिए और पूरा आपका घर आंगन मंदिर की तरह होना चाहिए। मंदिर की तरह मतलब आपका घर जब मंदिर बन जाएगा तो वहाँ कटुता नहीं होगी, वहाँ हिंसा नहीं होगा, वहाँ लड़ाई नहीं होगी, वहाँ द्वेष नहीं होगा, वहाँ राग नहीं होगा, वहाँ प्रेम होगा। मंदिर में भगवान से प्रेम किया जाता है। समस्या तो ये आ जाती है घर को मंदिर बना लिया जाए, सारे सदस्यों को देवी देवता मान लिया जाए तो लड़ाई किसके साथ करे और पेट का भोजन कैसे पचे। समस्या तो ये हो जाती है, पेट का भोजन पचाना है तो लड़ेंगे, कोई नहीं मिल रहा है तो पति और पत्नी लड़ेंगे, और कोई नहीं मिल रहा है तो सास और बहू लड़ेंगे, और कोई नहीं मिल रहा है तो अपने ही पैदा किया बच्चा के साथ लड़ाई करेंगे, क्या मिलेगा। सद्गुरु कबीर साहब की मैं पंक्ति पर आऊं, हमारा जीवन एक कहना चाहिए मस्त और स्वतंत्र जीवन है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं यदि शांति चाहते हो तो मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लो। हमारा मन और इंद्रिया कैसे हैं? छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे कोई आदमी एक सरसों के दाने की पोटरी ले ले और सरसों के दाने की पोटरी इस पोटरी में बांध ले और सरसों के दाने की जो पोटरी बंधी वो पोटरी खुल जाए
तो सरसों के दाने गलीचा के नीचे चला जाएगा, गद्दे के नीचे चला जाएगा, चटाई के नीचे चला जाएगा, कहीं दरारों में घुस जाएगा। उन सरसों के दाने को फिर से इकट्ठा करने में इतनी मेहनत है, ताबड़तोड़ मेहनत, तब भी पूरा इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारा जीवन कैसे है? हमारे जीवन ऐसे ही है, यदि हमने इंद्रियों को वश नहीं किया, अपने हिसाब से संचालित नहीं किया, अपने वश में नहीं रखा, तो सरसों के दाने के पोटरी की तरह इधर उधर बिखर जाता है सरसों के दाने। वैसे ही हमारी इंद्रियां बिखरी हुई है, अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त। आंख कुछ और कह रही है, जीभ कुछ और, कान कुछ और, पैर कुछ और, हाथ कुछ और। जब मीठे मीठे अच्छे अच्छे चीज खा रहे हैं, पेट से जवाब आ गया, अब नहीं खाना चाहिए, बस करे बस करे। दो चार छः आठ पंद्रह बीस गुलाब जामुन खा लिए हैं, अंदर से आवाज आ रही, बस करो बेटा अब मत खाओ। जीव कहते हैं अरे देखा जाएगा, दो चार और दबा लो ना। संयमित जीवन नहीं है। मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आंखों से चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है, अब आंख कह रही है बेटा बस करो, अब बंद करो आंख को, आराम दो, सो जाओ बिस्तर में मस्त हो करके। मन कहता है थोड़ा और देख लो ना, क्या होता है, अभी तो 10 ही रात बजे है, 11 बजने दो। बोल रहे बोलते बोलते जीव थक चुका है, अंदर से आवाज आ रही है बस करो। एक मन कहता है क्या हुआ, सामने वाले ने बोला है तो उसको तो प्रत्युत्तर मुझे देना ही है ना, मैं कम हूं क्या उससे, लड़ो खूब लड़ो। जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हम ऐसे उदासी और उखड़े उखड़े जीवन जीते हैं, जीवन में कोई रौनकता नहीं, जीवन में कोई चमक नहीं, जीवन में कोई सौंदर्य नहीं, बस उदास और विहीन जीवन जीते हैं। जैसे कोई आदमी प्यासा हो और पानी न मिलने पर तड़पता हो, वैसे ही हमारी स्थिति हो चुकी है। हम अपने सुंदर जीवन को तबाह कर चुके हैं। असंयमित जीवन के वजह से संयम नाम की जीवन में परिभाषा, संयम की परिभाषा ही नहीं जान पाए, संयमित जीवन नहीं जी पाए, असंयमित जीवन जीते हैं। और आदमी एक इंसान ऐसा महान प्राणी है, जब पानी में डूबता है तो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके पानी से निकलता है, आकाश में उड़ता है तो ना जाने कितने हजार किलोमीटर यात्रा तय करता है तब नीचे उतरता है। जब आदमी के पास इतनी शक्ति है, दुनिया के सारे संचार को अपने आप में केंद्रित करके रखा है, पूरी दुनिया को अपनी उंगली के इशारों पर नचाता है, पूरी दुनिया को अपने उंगली के इशारों पर नचाता है, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से ऑपरेट करता है। आदमी के पास इतनी महान शक्ति है, खूंखार से खूंखार जानवर को भी अपने वश में करता है। जब सर्कस दिखाने वाला सर्कस दिखाता है, शेर को कहता है बेटा बैठ जाओ, सर्कस दिखाने वाला शेर को कहता है बेटा बैठ जाओ, शेर बैठता है किसी आदमी के ऊपर, हाथी जाकर के पूजा करता है लेकिन आदमी को टच भी नहीं करता है। किसकी बाल, किसकी दिमाग है ये? आदमी का दिमाग है। आदमी ने इतना संयमित किया दुनिया को, लेकिन काश ऐसे ही अपने आप को संयमित करता। सब कुछ समय संयमित कर दिया आदमी ने, लेकिन अपने आप को संयमित नहीं किया, असंयमित जीवन जीता है, असंयमित जीवन। क्या खाना है ये भी पता नहीं है, कटु सत्य है। यदि गाय को कितना ही भूखा क्यों ना हो, मांस दे दो मर जाएगी गाय, लेकिन मांस को टच भी नहीं करेगी। शेर मर जाएगा लेकिन शेर पे हरा हरा घास डालो, शेर घास को टच भी नहीं करेगा, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, खाएगा तो मांस खाएगा। और गाय खाएगी तो घास खाएगी, मांस नहीं खाएगी। और आदमी कैसा है, क्या है, मैं नहीं कहूंगा इसको, आप ही लोग जाने इसको क्या कहेंगे। असंयमित जीवन, बड़ा लेबल लगाते हैं, हम कबीर पंथी है, हम राधा स्वामी है, हम गायत्री वाले हैं, घर में कटुता चल रहा है, घर में महाभारत चल रहे हैं, घर में भाई भाई दो चार फीट जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने ही पिता को अपने ही घर से बेघर कर दिए हैं। कौन से कबीर पंथी का लेबल है, कौन से राधा स्वामी और गायत्री और ओम शांति का लेबल है, लेबल काम नहीं करता है, लेबल काम नहीं करता, जीवन की शांति काम करेगा। यदि जीवन में संयम की परिभाषा होगा तो हमारे जीवन में खाद्य अखाद्य को जानेंगे, खाद्य अखाद्य को जानेंगे। हम पढ़े लिखे अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे अशिक्षित, समझते हैं ना, पाउच में लिखा रहता है कि यह स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है, कैंसर हो सकता है, पर भी आदमी पाउच फाड़ता है और अपने अंदर घट कर जाता है।
शराब में लिखा रहता है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर शराब आदमी प्यार से पीता है। आदमी की बुद्धि देखिए, आदमी की बुद्धि इतनी विचलित हो चुकी है, संयम नाम की परिभाषा ही नहीं है। मन कहीं और कह रहा है कि इधर दौड़े चले जा रहे हैं, जीभ लपलपा रही है, उधर खाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, गंदे गंदे चीजों को खा रहे हैं। आदमी इतना स्वाभ और सुथरा जीवन जीना चाहिए, लेकिन गंदे चीजों में मुंह मारता है, गंदे चीजों में मुंह मारता। आदमी का भोजन नहीं है मांसाहारी, मांसाहारी आदमी का भोजन नहीं है। और कोई अगर मांस खाते हो तो अपने आप को आदमी कहेंगे कि जानवर कहेंगे, वो अपने आप से ही पूछे। मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप जानिए क्या कहेंगे आप। अभी कोरोना महामारी में डॉक्टरों ने सबने कहा था कि मांस खाना स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। जो जानवर मांसाहारी होता है उसका दांत आंख नाक सब नुकीला होता है, उसका नाखून नुकीला होगा, उसका दांत नुकीला होगा और तेज तीखी नजर से देखेगा वो। आदमी का दांत नुकीला नहीं होता है, आदमी का नाखून नुकीला नहीं होता है, ये मांसाहारी जानवर की पहचान है। आदमी एक सभ्य जान सभ्य व्यक्ति होकर के अशिक्षित और गंवार की तरह जीवन जीता है। और इतना ही नहीं, आज जब घर हर घर में आज पूरा परिवार पूरा चपेट में आ रहा है, हर गांव गांव में शराब शराब पीते हैं, तो इसकी वेदनाएं पीने वाले तो पीता है, लेकिन उसकी वेदनाएं ज्यादा माताओं को भटकना पड़ता है, ज्यादा समस्याएं उन लोगों को झेलना पड़ता है। जब कोई शराबी शराब पीता है तो उनकी तीन पीढ़ी बर्बाद होती है, एक तो खुद बर्बाद होता है, एक उनके माता पिता रोते हैं और दूसरा उनके तीसरा उनके बच्चे रोते हैं। और शराब पीने वाले शराब बस नहीं पीते हैं आदमी बंधुओं, माँ बाप के चेहरे की मुस्कान पी जाते हैं, माँ बाप के चेहरे की मुस्कान पी जाते हैं और बच्चे की उड़ान भरने की क्षमता भी पी जाते हैं। कोई बच्चा सोचता है कि मैं आगे पढ़ ली करके MBS करूं, IPS IAS अफसर बनूं, कुछ भी सोचा रहता है। और जब जब वो पढ़ने का मन करता है, पढ़ाई करता है, जब जब कोई शराबी शराब पी करके घर में जाता है तो उनके बच्चे सोचते हैं इन शराबियों के बीच में कौन सा मैं पढ़ाई करूं, शराब की पढ़ाई करूं, इन शराबियों के बीच में कौन सा MBS IPS IAS अफसर बन पाऊंगा। जो उनकी उड़ान भरने की क्षमता होती है ना, वो मिट्टी पलीद हो जाता है, मिट्टी पलीद हो जाता है। शराबी जब शराब पी करके आता है तो शराब बस नहीं पीता है, मैं बताया कि बच्चे की उड़ान भरने की क्षमता है वो भी पी जाता है और घर में आकर के ऐसा तहलका मचाता है, लगता है अब घर घर नहीं रह गया, शमशान घाट बनना शुरू हो गया। जब आदमी शराब पीता है तो शराब के नशे में ऐसा ऐसा काम करता है जो आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे काम करता है। इसलिए आदमी बंधुओं शराब ना पियो, शराब शराब ने हमेशा देश और राष्ट्र का अहित किया है, देश और राष्ट्र और परिवार का अहित किया है। और कोई शराब पीता है तो शराब पीते हैं उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, आप पिलाते हैं उसको शराब। लग रहा होगा कैसे कह रहे हैं, आप शराब पिलाते हैं उसको। यदि आपका बच्चा शराब पी रहा है, आप बिन बच्चे के वो अच्छा रहिए, ऐसे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है घर में। जो शराब पी करके घर का माहौल बर्बाद करे, अपना जीवन बर्बाद करे, अपने माँ बाप का जीवन बर्बाद करे, अपने बच्चे का जीवन बर्बाद करे, ऐसे बच्चों को घर में आने की एंट्री ही मत दो, घर में लॉक कर दो, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम शराब छोड़ दोगे उस दिन तुम इस घर में पैर रखना, अन्यथा तुम पैर मत रखना। यदि आप सावधान नहीं कर सकते तो आप पिलाते हैं शराब, आप शराब पिलाते हैं। क्यों आप सावधान नहीं हो सकते? जब घर को आप संचालित करते हैं तो घर की लक्ष्मी होती है, जब खतरनाक रूप धारण करती है तो चंडी और महाकाली हो जाती है। आप लोग आप देखिए, कभी लड़ाई होती है तो लड़ाई होती है, कभी आपस में पड़ोसी पड़ोसी लड़ाई हो गई, कभी सास और बहू की लड़ाई हो गई, तो मान लो लड़ाई चल रही वहां पर कोई पुरुष है तो माताएं ऐसे शब्द चुन करके नंगे और भद्दे शब्द बोलेंगे। पुरुष होगा तो आंख छिपा करके पीछे मुड़ करके भागना पड़ेगा, वहां खड़े नहीं हो सकता है। जब आप इतना कर सकते हैं तो आप अपने पति को नहीं सुधार सकते, आप अपने बच्चे को नहीं सुधार सकते। मैंने सदगुरु कबीर साहब की एक साखी कहा, एक पंक्ति कहा है, खक्खा चाहते हो शांति चाहते हो खोरी मनावे, इंद्रियों को वश में कर लो। ये सारा नाच चल रहा है इंद्रियों के असंयमित होने पर, ये सारा नाच इंद्रियों के असंयमित होने पर। और सबसे ज्यादा असंयमित हमारा है तो जीभ। क्यों जीभ कह रहा हूं?
हमारे आंख दो है लेकिन सिर्फ हम देखते हैं आंखों से, कान दो है लेकिन कान से सिर्फ सुनते हैं, नाक दो है लेकिन सिर्फ नाक से श्वास लेते हैं, सिर्फ सूंघते हैं, लेकिन जीभ एक है और कान तीन है। जिस जीभ में हड्डियां भी नहीं है, हड्डियां की नहीं है, एक बार स्पर्श करके देखिए आप लोग, जीभ में हड्डियां नहीं होती है। जीभ एक है, काम तीन है, जीभ से रसपान करते हैं, जीभ से भोजन करते हैं, जीभ से शब्द भी बोलते हैं, और शब्द चुन करके नहीं बोला गया तो घर उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, और शब्द चुन करके बोला गया तो घर बन जाता है। शब्द ही एक ऐसा, शब्दों पर तो इतनी सारी वाणियां हैं, और शब्दों पर चर्चा किया जाए तो शब्द निकल जाएगा, एक शब्द निकल जाएगा। आप शब्दों पर चलिए, पूरा शब्दों का बाउंडर है, शब्दों का बाउंडर है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। अर्थ समझ में आ रहा है ना? शब्दों शब्दों में बहुत अंतर है, सार शब्दों को मत लीजिए। सतगुरु कबीर साहब ही ने कहा है, हर क्लास में सब पढ़े हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। सतगुरु कबीर साहब शब्दों पर इतना बोले हैं, आप लोगों से मैं ये सब चर्चा नहीं करूंगा, लंबा विषय, आप शब्दों को सोच और समझ करके बोलिए। किसी संत ने कहा है, बोलो तो पहले तो लो, कब कितना कहां उचित है, वाणी न तुम लड़ाओ भला तुम्हें कौन बिगाड़ेगा, न जिभ्या न तुम लड़ाओ भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। हम असंयमित होकर के बोलते हैं, बिना सोच समझ करके बोलते हैं, और जब जब ना समझ होकर के बोलेंगे तब तक हमारा निकलता कहाँ से है, ये केंद्र से निकलता है। मैंने सतगुरु कबीर साहब की एक साखी कहा था कि हम मूल चीज को नहीं सींचते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। हम यदि मन को साध लेंगे तो मन को साधेंगे तो सब सज जाएगा, हमारी इंद्रियां भी संचालित हो जाएगी, और हम मन को नहीं साधेंगे तो बाहरी चीजों को साधते साधते जीवन बीत जाएगा, लेकिन जीवन सधने वाला नहीं है। सतगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं, जैसा कोई आदमी एक पेड़ लगा ले और पेड़ के पत्ते में तने में डाली में पानी डाले और उसके जड़ पे ना डाले तो पेड़ सूख करके मर जाएगा, वैसे ही आदमी क्या करता है, बाहरी चीजों को साधता है, बाहरी चीजों को सुंदर बनाता है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या करता है, मन को नहीं साधता है। किसको साधता है? कपड़े सुंदर पहनता है, मकान सुंदर बनाता है, मोबाइल सुंदर रखता है, बाहर से टी टेबल डाइनिंग टेबल सोफा सेट सब चीज ठीक रखता है, लेकिन बाहर सोफा सेट है, अंदर डाइनिंग सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन माइंड अपसेट बना हुआ है। आज भी माइंड अपसेट है, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ सेट करे, व्यवस्थित जीवन जिए। यदि सतगुरु कबीर साहेब इन चीजों को संयमित करने के लिए कहते हैं, मरे मरे उदासी जिंदगी मत जिए आप। यदि आपके जीवन में संयम की परिभाषा नहीं होगी तो आप गलत बोलेंगे और गलत बोलने का परिणाम गलत उत्तर आएगा और आप हमेशा असंयमित रहेंगे। आप एक शब्द गलत बोलेंगे, बार बार आपको रिटर्न होकर के चुभेगा, मैंने गलत बोल दिया, इसका परिणाम क्या होगा, काश मुझे अच्छा सोच समझ करके बोलना चाहिए था, मैंने गलत कहा है, क्या सोच रहे होंगे सामने वाले। आप एक शब्द गलत बोलते हैं। किसी संत ने कहा है, शब्द में इतनी शक्ति होती है कि कोई आदमी शब्द प्यार से बोला जाए तो हंसते हुए को रुलाया जा, रोते हुए को हंसाया जा सकता है और हंसते हुए को रुलाया जा सकता है। शब्दों में इतनी शक्ति है, शब्दों में इतनी शक्ति है कि हंसते को रुलाया जा सकता है और रोते हुए को हंसाया जा सकता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संयम की परिभाषा, संयम की परिभाषा। मैंने कहा कि जानवरों में इतना डिसिप्लिन है, जानवरों में इतना डिसिप्लिन है कि जो चीज खाना है वही खाएगा, गलत चीज नहीं खाएगा। एक जगह एक व्यक्ति सर्कस दिखा रहा था तो उन्होंने किया क्या, मदारी है, खेल दिखा रहा है, खेल दिखाते दिखाते उन्होंने अपना खेल के मैदान में चूहा और बिल्ली उतारा और चूहा और बिल्ली आपस में एक दूसरा खूना खून हो गए, लड़ना शुरू कर दिए, कटिबद्ध हो गए, एक दूसरे लड़ रहे हैं, एक दूसरे के जान के जोखिम बने हुए हैं। मदारी कहता है, बेटा बस करो, अब आज इतना ही काफी है,
सांप इतना ही कहता है, चूहा और बिल्ली जो जन्म के दुश्मन है एक जगह आकर के प्रेम से बैठ जाता है। सर्कस दिखाने वाला क्या कहता है, बेटा बस करो, आज इतना ही काफी है, कल के लिए शेष बचा करके रखो। जो जन्म के दुश्मन है उसको भी मित्र बना देता है सर्कस दिखाने वाले ने, और चूहा और बिल्ली एक जगह आकर के बैठ जाता है। फिर निकलता है सांप और नेवला। सांप और नेवला एक दूसरा में कटिबद्ध हो जाते हैं, एक दूसरा में खूना खून हो जाते हैं। मदारी खेल दिखाने वाला फिर से कहता है, बेटा बस करो, तुम भी आज तुम्हारा भी इतना ही काफी है। सांप और नेवला भी अपने आप में आकर के बैठ जाते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं है। आदमी के पास इतनी शक्ति है, आदमी के पास इतनी महान शक्ति है, जन्म के दुश्मन को मित्र बना देता है, लेकिन दुर्भाग्य कहो कि सौभाग्य कहो, पूरी दुनिया को अपने वश में करता है, अपने आप को वश में नहीं करता है। और जब अपना परिचय देता है आदमी तो बड़े इंसानियत का परिचय देता है, हम इसके पुत्र हैं, इसके बच्चे हैं, इस पंथ की परंपरा को मानते हैं, बड़ा लेबल लगाता है, पढ़े लिखे शिक्षित होने का लेबल लगाता है। और जब जीवन जीता है तो अनपढ़ और गंवार की तरह जीवन जीता है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज से हैं, अच्छी सभ्यता है, अच्छा संपन्न घर से हैं आप, अच्छा संस्कारी घर से हैं। अब अपने आप से पूछे, मैं इतना सारा लेबल तो लगा दिया, क्या संस्कारी घर से हैं? आपके शब्दों में कटुता तो नहीं आती है, मतलब आप असभ्य घर के हैं, आप असत्य घर के हैं, आपके शब्दों में गलत शब्दों का उपयोग हो रहा है, आप किसी मत और पंथ और संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, आप किसी धर्म को अनुष्ठान नहीं करते हैं, धर्म की पालन नहीं करते हैं, आप गलत व्यवहार, गलत आचरण, गलत जीवन जीते हैं। आप कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, नियम कह रहा है। यदि आपके शब्दों में गलत शब्दों का उच्चारण हो रहा है, आपके कर्तव्य में आप गलत कर्तव्य गलत कर्म करते चले जा रहे हैं, मतलब आप गलत जीवन जी रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ आदमी, एक गंवार आदमी जिसे कहते हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो भी गाली दे तो समझ में आता है, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी गाली दे तो कौन सी अंतर है? एक अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर कौन सा है? एक शराबी गाली दे तो समझ में आता है, और एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, जिसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं, जो परंपरा का अनुयायी है, जो किसी गुरु और संत से जुड़े हैं, वो भी गाली दे तो समझ में कैसा आएगा कि अच्छा व्यक्ति कि बुरा व्यक्ति, इसकी पहचान क्या है? असंयमित जीवन, असंयमित जीवन। एक जगह एक छोटा सा बच्चा अपने घर में खिलौना से खेल रहा था। एक महाराज को कहा, महाराज जी एक बात बताऊं? महाराज ने कहा, हाँ बताओ। आप गो कहना तो ये खिलौना चढ़ पड़ेगा, और कम कहना तो रुक जाएगा। महाराज ने कहा, उस बच्चे ने कहा, महाराज जी गो बोलो, जोर से बोलना। वो खिलौना चल पड़ा, कुछ दूर तक जाता है, उसके बाद में वो बच्चे ने कहा, महाराज जी कम बोलो। महाराज जी ने कहा, कम? वो रुक गया। महाराज ने कहा, काश ऐसी ही इंद्रिया भी संयमित होता, गो कहो तो इंद्रिया संचालित हो जाती, कम कहो तो वही रुक जाता, काश ऐसे व्यस्त जीवन होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको अपने जीवन को संचालित करना है, आपको अपने जीवन को, अपने को खुद को दिशा देना है। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो आपके आने वाले पीढ़ी गलत दिशा पे जाएगा, आपका जीवन असंयमित जीवन हो जाएगा। असंयमित जीवन में दुख और दर्द और पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। संयमित जीवन सिर्फ मैं खास वाणी पर और कल विशेष चर्चा करूंगा। मैं वाणी एक ऐसा माध्यम है जो आपके जीवन को बना देगा, और बोलने का तरीका नहीं जाने तो आपके बना बनाया घर तोड़ करके दो टुकड़े और बर्बाद तबाह कर देगा आपका घर। हमारे आज भारत देश में जितने भी केस चल रहा है उसमें आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च से पता चला है 80% केस है जो बात की लड़ाई, ओनली बात की लड़ाई है। बात की लड़ाई, जमीन की लड़ाई कम है, संपत्ति की लड़ाई कम है, एक दूसरे की और कोई चीज की लड़ाई कम है, ज्यादा लड़ाई है तो बात की लड़ाई। कहा, मेरे भाई ने मुझे ऐसा बोला, ऐसा बोलने का अधिकार कहाँ से आया? मेरा पड़ोसी ऐसे बोले, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक कहता है, मेरी पत्नी ऐसे बोली, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरे पति ऐसा बोले। क्या आप एक दूसरे के लिए बंधन में बंधे हैं? जीवन भर के लिए 7 जन्मों का रिश्ते निभाने की बात करके आए हैं, आपके पति एक कटु शब्द कहे तो नहीं पूछ सकते?
आपके पति दिन भर धूप में तपते हैं, आपकी भोजन की व्यवस्था वो करते हैं, चावल दाल की व्यवस्था वो करते हैं, मकान की व्यवस्था वो करते हैं, बच्चे की पढ़ने लिखने की व्यवस्था वो करते हैं, आपके तबीयत खराब हो जाने की व्यवस्था वो करते हैं, आपके कपड़े की व्यवस्था वो करते हैं, माता पिता की स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो व्यवस्था वो करते हैं, आपको मार्केटिंग जाने की व्यवस्था वो करते हैं। इतना सहारा तो आप सह लेते हैं, कटु वचन बोले उसको आप नहीं सह सकते। आपका जीवन कैसे सुंदर होगा, कैसे सुंदर होगा। और आप सबकी पत्नी है, आपकी पत्नी आप प्रेम से रखेंगे, अच्छा से रखेंगे तो आपका घर सुंदर होगा। आप अच्छे रहते हैं तो आपकी पत्नी अच्छी रहती है, और आपकी पत्नी अच्छी रहती है तो घर सजता है, घर संवरता है, घर सुंदर बनता है। घर का मतलब मैं मकान की बात नहीं कह रहा हूँ, मकान तो सस्ता और संवरता है, ईंट सीमेंट गीले ईंट रेत से बनता है, फॉल्स सीलिंग लगा दो, डाइनिंग सेट अच्छा सजा दो, टाइल्स लगा दो, मार्बल लगा दो, ग्रेनाइट लगा दो, बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा दो, घर में पूरा आल सुविधा कर दो, इससे आपका मकान सस्ता और संवरता है। इसको मकान कहा जाता है, घर उसे कहते हैं जिस परिवार में आपस में देरान जेठान सास बहू माता पिता बच्चे आपस में प्रेम से जीते हो, उसको घर कहा जाता है। घर और मकान में इतना अंतर है। जब कोई आदमी किसी के यहाँ जाता है और मकान किराए के मकान पर रहता है तो क्या कहता है, ये मकान मालकिन है। घर वाले बोलते हैं ये मकान मालकिन है, घर मालिक है नहीं बोलते, घर उसको नहीं कहा जाता है, मकान मालिक कहा जाता है। और किसी घर के सदस्य को पूछा जाता है, कोई आपके यहाँ मेहमान आए हैं और आपको पूछते हैं ये कौन है, तो मकान वाले है कहते हैं कि घर वाले कहते हैं। आप समझ में आ रहे हैं ना साथ, बात क्लियर। घर वाले हैं बोलते हैं, मकान वाले हैं नहीं बोलते हैं। मकान वाले मतलब दूसरा हो गया, घर वाले मतलब घर का होता है। आपको अपने घर को सजाना है, आपको अपने घर को सजाना है, आपको अपने ही जीवन को सजाना और संवारना है। सदगुरु कबीर की मैंने एक साथ एक पंक्ति, खक्खा चाहे खोरी मनावे। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इंद्रियाहीनि परमार्थी ही विषया ही वर्तन्ते। जो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, जो इंद्रियों से जो यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, उन लोगों के भी इंद्रियां सावधान न रहने पर कहीं के कहीं ले जाकर के गिरा देती है। इंद्रियां कहीं के कहीं ले जाकर के गिरा देती है। यदि सावधान न रहो तो इंद्रियां हमेशा चंचल बनी रहती है, और इंद्रियां अपने अपने दिशाओं पे खींचता है, पैर कभी ले जाता है किधर की ओर, आंख अपने अपने रस अपने अपने द्रव्य शक्ति में चला जाता है, चक्षू की ओर दौड़ता है, नए नए चित्र देखना चाहता है, और रसपान करने के लिए नए नए स्वाद लेने की जिभ्या की ओर खींच देता है। यदि संस्कार सही है, सभ्यता सही है, तो माता पिता का आशीर्वाद और प्रेम सही है, तो कोई ऑफिस से, खेत से, ड्यूटी से, खलिहान से आने के बाद उनका प्रेम घर खींच करके लाता है, और संयमित जीवन ना हो तो उनको शराब भट्टी की ओर खींच ले जाता है। जीवन आपका है। मेरा समय पूरा हुआ, विशेष चर्चा कल। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर की मैं एक साखी कहा, इस पर कल दोनों टाइम इस पर और चर्चा करूंगा मैं, यदि समय रहा और मेरा जीवन रहा तो। अब इसी क्रम में निवेदन है पूज्य संश्री कोमल साहेब जी से, सुबह के विचार आप लोग सुन रहे थे, आत्मा अपने ही अंदर है, और संत के पहचान, संत का पहचान उन्होंने बताया। गुरुदेव जी की एक उत्तर है, संत कौन? गुरुदेव जी ने उत्तर में लिखा, जो दुखी नहीं होता वह संत है। गुरुदेव जी ने एक ही वाक्य, सद्गुरु अभिलाष साहब ने ये नहीं कहा कि जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सन्यासी कलर पहनते हैं, जो गृह त्याग दिए हैं, जो काला वस्त्र धारण करते हैं वो संत है, जटाजूट हो, लंबा चंदन लगाया हो, माला पहना हो, ये सारे लेवल किनारे कर दिए गुरुदेव जी ने। गुरुदेव जी ने उत्तर में लिखा, जो दुखी नहीं होता वह संत है। आप सब भी संत हो सकते हैं। बोलिए सब गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनी मुद्मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं,
द्विदिवसीय सत्संग समारोह का प्रथम दिन का दूसरा सत्र आप संत गुरुजनों से सुंदर और अच्छी अच्छी बातें सुनी। सत्संग का सार है सुंदर जीवन का निर्माण, जीवन को सुंदर बनाना। आज सवेरे जब सवेरे सवेरे उठा तो एक बात ख्याल में आया, क्योंकि लगभग 4:30 बजे उठना होता है, तो मैं बरसों से, शायद मुझे याद नहीं है, आप लोग को याद हो, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह आसन होता है कि वहां सुलभता भी नहीं होती। बचपन में हम सुना करते थे मुर्गा सवेरे सवेरे आवाज करता था, मुर्गी हो है मुर्गा, और शायद पहले किसी घर में कोई अलार्म भी नहीं होता था, है ना, तो मुर्गा की आवाज को सुनकर के ही लोग जान जाते थे कि अब सवेरे हो गए। शायद वो मुर्गा की आवाज भी दब गई, और मुर्गा बेचारा करे क्या, क्योंकि जो मुर्गा समाज को रोज जगाने का काम करे उसी मुर्गा को भी लोग खाते भी हैं, मारा जाता है। तो इसके साथ साथ में मुझे विचार आया, शायद ऐसे ही जिन महापुरुषों ने इस देश समाज और राष्ट्र के लोगों को जगाने का प्रयास किया, संत गुरुजन अपने अपने समय में अपने अपने स्थान में जगाने का प्रयास करते हैं। जागो लोगो मत सो ना करो नींद से प्यार, और जैसे सपना रैन का तैसा यह संसार। हम लोग सोए हुए लोग हैं, रोज सो जाते हैं, अरे एक दिन तो रात में है जिसको सबको लेना है, संत को भी लेना होता है, लेकिन एक दूसरी नींद है जिस नींद में हम सब लोग रहते हैं, दिन भर रहते हैं नींद में, बेहोशी में, निरंतर बेहोशी में ही रहते हैं। और ये सत्संग केवल जगाने के लिए ही है, केवल जगाने के लिए। उस नींद से जिस नींद में हम सोए होते हैं हमारे माँ बाप जगाते हैं सवेरे सवेरे, जब माँ बाप जगाते हैं ना, मुझे याद है, तो जागना भी अच्छा नहीं लगता है, और जो जगाते उसी को हम कभी कभी गाली भी देने लगते हैं, बच्चे चिढ़ जाते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि सदियों से हमें सोने का बड़ा मजा आता है, तो रात का नींद भी अच्छा लगता है और ये दुनिया का नींद भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन संत और गुरुजनों को पता होता है कि सोए रहने से न पढ़ाई होने वाली है, न उन्नति होने वाली है, न खेती होने वाली है, न व्यापार होने वाला है। जागा हुआ यही आदमी कुछ पाता है, और जागा हुआ आदमी कुछ कर पाता है। आप इतिहास उठा करके देखें तो संत सुकरात को जहर दे दिया गया, केवल जगाने का काम कर रहे थे। उसके पास ऑप्शन था, वहां का जो राजा था उसको कहा कि तुम्हारे पास 3 विकल्प है, चाहो तो तुम चुन सकते हो। पहला कहा, तुम इस देश को छोड़कर के चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सुकरांत ने कहा कि ये मेरा जन्म भूमि है और मेरा कर्म भूमि है, मैं अपने जन्म भूमि और कर्म भूमि को छोड़ सकता नहीं हूं। उसने कहा तो ठीक है, दूसरा एक विकल्प है कि तुम जो बोलते हो, तुम अपनी बात से बच्चों को बिगाड़ते हो। देखिए, अच्छा करने वाला सदैव ये सोचता है कि मैं देश को बनाने का काम करता हूं, लेकिन देश की ना समझ लोग सदैव संतों को बिगाड़ने वाले बोलते हैं। राजा ने कहा कि तू बच्चे को बिगाड़ने का काम करता है, उस काम को छोड़ दे, चुप हो जा। सुकरात ने कहा कि मैं मर सकता हूं लेकिन सत्य बोलना छोड़ सकता नहीं हूं। राजा ने कहा तीसरा अंतिम विकल्प है, ये जहर का प्याला तुम्हें पीना पड़ेगा।
सुकरात ने कहा कि ये चल सकता है, मरना तो एक दिन है ही, अरे कल मरूं, परसों मरूं, 10 साल 20 साल बाद मरूंगा, उससे अच्छा मैं आज मर सकता हूं, क्योंकि संत मरने से डरते नहीं। अरे गुरु और कबीर साहब जी की भाषा में बात करें तो जे ही मरने से लोग डरे, मेरो मन आनंद कब मरी हूं कब पाई हूं पूरन परमानंद। कबीर साहब मरने का आह्वान करते हैं, मौत को बुलाते हैं, हम मौत से डरते हैं, मौत से भागते हैं, मौत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन संत और गुरुजन उस मौत को भी निमंत्रण करते हैं। और गुरु और अभिलाष साहब जी की गीत के अनुसार कहें तो रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, तू सामने रहती नहीं यह तन सुख भासता। गुरु अभिलाष साहब कहते हैं ये मौत मेरे सामने हर क्षण रहा करो, क्योंकि तुम सामने रहती हो तो संसार का वास्तविकता मुझे पता चलता है। और पलटो महाराज जी ने तो और गजब की बात कही, देखत सोना लगे सकल जगह कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए तो झूठ तो मरना सच है। ये जीवन तो झूठ है लेकिन मरना ही सच है। सुकरात ने कहा कि मैं जहर पीना स्वीकार करता हूं। हमारे भारत के बहुत अच्छे महर्षियों में से एक महानतम संत स्वामी दयानंद सरस्वती को भी जहर दे दिया गया। संत ईसा को क्रॉस पर लटकाया गया। सदगुरु कबीर साहब जी को 52 कसनी कसी गई। जितने महापुरुष थे सबको इस समाज ने प्रताड़ित करने का काम किया, लेकिन फिर भी डरे नहीं, वो अपनी बात कहते रहे। इसलिए क्योंकि हमें जगाने का काम करते हैं। और जो मैं कह रहा था कि आपन पौ आप ही बिसरियो, हम सब ने अपने पौ को, अपने चेतन स्वरूप को, अपने अस्तित्व को, अपनी आत्मा को, अपने ईश्वरत्व को, अपने भगवत्व को हम सब भूल चुके हैं। भूले कि नहीं भूले हैं? बच्चे लोग अपनी प्रतिभा समझ लीजिए। रामायण की कथना याद दिलाऊं, राम सुग्रीव से मित्रता करने के बाद, बाली के वध हो जाने के बाद, सीता के खोज के लिए चारों दिशाओं में वानर सेना भेजे। वानर सेना का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बंदरों का सेना हो, बंदर नहीं थे। कवि अपनी भावनाओं में लिखते हैं लेकिन समझने वाले उसका भाव न समझ करके केवल शब्दार्थ करते हैं। बानर का मतलब पूंछ वाला बंदर नहीं है, बानर गोत्री आदिवासी मनुष्य है। जैसे आज भी बहुत सारे गोत्र होते हैं, किसी का भैंसा गोत्र हो तो क्या आदमी भैंसा हो गया? नहीं होता ना। और सोना गोत्र होने से कोई सोना नहीं होता। तो पहले जामवंत्री गोत्र है, बानर गोत्र है। इसी प्रकार से जितने भी पशु पक्षियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसको अपना टैटम रखते थे, अपना पहचान रखते थे। तो वानरों की जो सेना थी यानी आदिवासियों का समूह संगठन श्री रामचंद्र जी ने इकट्ठा किया। अब जंगल में रहेंगे तो कौन मिलेगा? तो उनका इकट्ठा करके सभी दिशाओं में उन्होंने अपनी सेना भेजा सीता की खोज के लिए। तो सारे चारों दिशाओं में खोजने के लिए गए। खोजते खोजते जमवंत, हनुमान जी, नल, नील, ये लोग समुद्र के बिल्कुल करीब पहुंच गए। और जब खोजते खोजते नहीं मिला और पता चला कि समुद्र के उस पार जाकर के हमको पता लगाना चाहिए, तो सब लोगों ने अपने शक्ति का परिचय बताया। किसी ने कहा कि मैं एक कोस जा सकता हूं, किसी ने कहा दो कोस जा सकता हूं, किसी ने कहा कि मैं आधा समुद्र लांग सकता हूं, किसी ने कहा कि मैं लांग तो सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। जामवंत जी ने कहा कि जितने भी वानर दल है अपने अपने शक्ति के अनुसार बखान कर रहे हैं और अपने शक्ति का परिचय बता रहे हैं और तुम चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी ने कहा कि मैं भला कर क्या सकता हूं, मैं तो बहुत ही असहाय हूं, शक्तिहीन हूं, एक साधारण बानर हूं, मेरे से क्या हो सकता है। पूरे रामायण में हनुमान जी ऐसे योद्धा हैं
और भक्त हैं, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सबका अपना अपना स्वार्थ है, लेकिन हनुमान का अपना कोई स्वार्थ है उस पर दिखता नहीं, और इतना निस्वार्थ होकर के वो अपना काम करते रहे। अंतिम में जब युद्ध होकर के आए थे अयोध्या में, तो राम जी ने सबको उपहार दिए और उपहार के साथ साथ पद भी दिए। सम्मान करते हैं ना, जैसे बच्चे आपके प्रतिभाशाली उसको सम्मान करते हैं, प्रतियोगिताएं होती उसमें सम्मान करते हैं। तो वहां भी अयोध्या नगरी में सबका सम्मान किया जा रहा था। तो सबका सम्मान होने के बाद में श्री रामचंद्र की दृष्टि हनुमान जी पर चली गई। हनुमान जी को देख करके मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे मैंने तो सबका सम्मान किया, योग्य सबको पद भी दिया, लेकिन मेरे करीब बैठे मेरे प्रिय भक्त हनुमान को मैं कोई भी न पद दे पाया और न सम्मान कर पाया। हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु सम्मान की कोई इच्छा नहीं है, और जो कुछ किया मैं आपकी सेवा बस किया हूं, मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। राम ने कहा कि नहीं, मैंने सबको कुछ न तो कुछ दिया है, कुछ न कुछ सम्मान किया है, कुछ पद दिया है, तुमको भी मैं कुछ पद देना चाहता हूँ, लेकिन तुम क्योंकि मेरे बहुत करीब हो, मेरे सबसे नजदीक हो, इसलिए मैं तुम पर ही छोड़ता हूँ, तुम जो मांगना चाहो दे सकता हूँ। हनुमान जी ने पुनः हाथ जोड़े, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जब निकटतम होता है ना, घनिष्ठता होती है, तो आदमी जोर से भी बोलता, अरे ले, ऐसा बोलते नहीं आप लोग, जबरदस्ती देना चाहते हैं। और याद रखिए, एक सूत्र बताकर जा रहा हूं, जो बच्चे जितना खबोड़ हो, जितना खाने वाले हो, जितना छीनने वाले हो, आप उसको देते नहीं, लेकिन जो घर का बच्चा जितना शांत हो, सहज हो, जो कुछ देने के बाद भी वो लेता नहीं, उसी को आप खिलाना भी चाहते हैं। जो बच्चा नहीं खाता, जो बच्चा नहीं लेता, जो बहुत ही सहज और सीधा होता है, उसी को खिलाने का आप प्रयास भी करते। जानते हैं ये बेटा को नहीं देगी तो छीन करके खा लेगा, लेकिन ये जो बड़ा वाला है ना, इतना भोला है कि इसके घर में इसके बिस्तर पे डाल दो फिर भी खाने वाला नहीं। जब ज्यादा ही आग्रह किए तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहे, प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक पद नहीं दो पद चाहिए, एक पद नहीं अब मुझे दो पद चाहिए। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया देखे मैं बोलता था ना, ये हनुमान बड़ा लालची है, पहले तो बोलता है तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और जब मांगने की पारी आई तो दो दो पद मांग रहा है। रामचंद्र जी ने कहा, कोई बात नहीं, अरे एक पद क्या, मैं तो जितना पद कहे उतना पद देने के लिए तैयार हूँ। अरे अगर मेरे भाई हनुमान अगर इस राज्य को भी मांग ले तो मैं इस अयोध्या को भी देने के लिए तैयार हूँ। ये तो दो पद की बात है, मांगने दो ना, ये मांगो जो मांगना है। हनुमान जी कहे, प्रभु केवल आपके चरण के दो पद ही मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति हनुमान जी की थी। तो उस हनुमान जी को जामन जी कहते हैं कि जामन जी कहते हैं कि हनुमान तुम में अतुल बल है, तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे ये समुद्र तो क्या, तुम सात समुद्र को भी लांग करके आ सकते हो। जब जमुंत जी ने उनकी शक्ति का परिचय कराया और जब शक्ति का बोध हुआ, तो वह हनुमान जो अपने को बहुत ही निर्बल समझ रहा था, कमजोर समझ रहा था, जब शक्ति का परिचय हुआ तो समुद्र को भी लांघा और समुद्र को लांग करके सीता का परिचय ले आया। ऐसे ही हम सबके अंदर में प्रतिभा छुपी है, शक्ति छुपी हुई है, वो सब कुछ छिपा हुआ है, बस उसे पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। लेकिन जानेंगे जब, जब हनुमान के साथ में जैसे जामवंत थे, तो ये संत और गुरुजन ही जामवंत हैं, जो हमारे अंदर छप छुपे हुए प्रतिभा को, शक्ति को हमें बताने का काम करते हैं। गुरु कबीर साहब कहते हैं, आपन पौ आप ही बिसरियो, जो अपनापन है, आत्म अस्तित्व है, अपना स्वरूप है, उसको हमने ही भूल गया है, खोया नहीं है, पाना नहीं है। इसलिए सदगुरु के दरबार में पाना नहीं है, किसी परमात्मा को नहीं पाना है, किसी देवता को नहीं पाना है, किसी भगवान को नहीं पाना है। क्या करना है, जागना है और जानना है।
जाग करके जानना है, केवल भूले हैं, बिसर गए हैं। कैसे बिसर गए हैं? तो गुरु और कबीर साहब कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूज मरियो। एक कांच का महल था, और उस कांच के महल, अब कांच का महल, मैं एक बार पिछले कुंभ मेला में हरिद्वार गया था, तो वहां पर पावन धाम एक स्थान है, किसी किसी को याद हो, तो उस पावन धाम स्थान में ही एक कांच का मंदिर है, उसमें भ्रमण करेंगे ना तो सब तरफ अपना ही चेहरा दिखता है, क्योंकि वो कांच का ही बना होता था। तो उस कांच के मंदिर में, कांच का ही बना हुआ मंदिर था, और उसमें बहुत बड़ा एक अंदर में घेरा था, चारों तरफ कांच लगा हुआ था, कुत्ता घुस गया। और कुत्ता का स्वभाव जानते हैं, कुत्ता सबको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपना ही जैसे दिखता हुआ चेहरे को वो बर्दाश्त करता, कुत्ता ही कुत्ता का दुश्मन होता। आपके गांव में अगर कुत्ता होगा, इस मोहल्ले का कुत्ता है, अगर उस मोहल्ले का कुत्ता आता हुआ दिख जाए तो ठहरता, भूक भूक करके भगा देगा। ऐसे ही स्वभाव हम लोगों का भी तो होता है। अरे आदमी जानवर से थोड़ी लड़ने जाता है, आदमी किसी शेर से थोड़ी लड़ता है, केवल अपने ही लोगों से लड़ता है, अपने ही भाई से लड़ता है, अपने ही पिता से लड़ता है, अपने ही देराने से लड़ता है, लड़ती है माताएं अपने ही जेठानी से, अपने ही सास, अपने से ही तो हम लड़ते हैं। कुत्ते से कोई ज्यादा हमारी योग्यता है क्या? जैसे कुत्ता अपने ही सजाति को देख करके भुगता है, वैसे ही हम अपने ही सजातियों को देख करके ही तो भुगते हैं। हम में और कुत्ता में कोई बहुत ज्यादा अंतर? जो काम कुत्ता करता है वही काम शायद हम लोग भी किया करते हैं। गुरु कबीर साहब कहते हैं, जो के जैसे स्वान कांच मंदिर में, जब कुत्ता कांच के मंदिर में घुस गया तो क्या दिखता था? कोई दूसरा कुत्ता नहीं था वहां, एक भी अपने ही प्रतिबिंब को देख देख करके भौंकता गया, और भौंकते भौंकते मर गया। कितना सुंदर उदाहरण। ये संसार कांच महल है, और इस संसार रूपी कांच महल में हम सब कैद हैं, और जितने लोग भी इंसान है ना, अपना ही चेहरा तो है, अपना ही प्रतिबिंब तो है, सबके अंदर में वही जीवात्मा तो निवास कर रहा है, कौन सा अलग है? घाव का ही पर घालो और जित देखो तित प्राण हमारो, किस पे चोट पहुंचाए किसको दुख दे। भक्ति का अर्थ, धर्म का अर्थ इतना ही है कि ये समझ में आ जाए कि जो दुख, जो तकलीफ, जो परेशानी, जो समस्या मुझे है, शायद ऐसे ही समस्या, ऐसी ही परेशानी, ऐसा ही तकलीफ सामने वाले को भी है, ऐसे ही दुख उसको भी होता है। अगर ये समझ आ जाए तो कोई किसी व्यक्ति को, कोई किसी प्राणी को सताएगा नहीं। और ये समझ नहीं आती है, इसीलिए संत और गुरुजन कहते हैं कि तुम पहले अपने अस्तित्व को समझो, अपने अस्तित्व को पहचानो, कि तुम ये जान पाओ कि जिस प्रकार से तुम्हें दुख होता है, किन बातों से दुख होता है। कोई तुम्हें गाली दे, किसको किसको अच्छा लगता है? आपकी कोई निंदा करे, आपको तो ऐसा नहीं लगता ना, मेरी निंदा होती तो बहुत अच्छी बात है भाई, बढ़िया, मैंने सम्मान का काम किया। वैसे निंदा करना अच्छा लगता है, निंदा सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन निंदा करना अच्छा जरूर लगता है। और निंदा रस तो इतना सुंदर रस, अगर माताएं अगर सिर में गगरी भी रखी हो ना, तो एक घंटा बीत जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि सिर में गगरी भी है। गोबर फेंकने जाती है माताएं, गोबर ही नहीं फेंकती है, फेंकती है तो गोबर है, और भर के ले आती है निंदा को पूरा। कितना सवेरे जो हमारा काम होता है ना, रोज का रोज जो हम सवेरे करते हैं, प्रकृति कितनी अच्छी व्यवस्था है हम सबके साथ में दी है, शायद शिक्षा देने के लिए सवेरे उठते ही सबसे पहले सफाई होती है, चाहे जानो चाहे ना जानो, लेकिन करना पड़ता है।
है ना, टट्टी पेशाब की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, कपड़े की सफाई करते हैं, सर्वप्रथम सवेरे उठते ही केवल एक काम करते हैं, वो काम है सफाई करना। प्रकृति ये संदेश दे रही है, अगर तुमको सर्वप्रथम कोई काम करना है तो सबसे पहला सफाई करना सीख जाओ, चाहे वो मन का सफाई हो, चाहे तन का सफाई हो, चाहे घर का सफाई हो। भजन में कितना सुंदर गाया है, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे, सबको याद है ना, माताएं घर के आंगन तो जरूर बुहारती हैं, कचरा बाहर निकाल कर फेंकती हैं, लेकिन एक कचरा है जिसको दिल में रख लेती है, वो निंदा का कचरा, द्वेष का कचरा, बैर का कचरा, घृणा का कचरा, नफरत का कचरा, द्वेष का कचरा। अरे हम बाहर के कचरा तो फेंकते हैं और मन की कचरा को रखते हैं, ये दुख का कारण है। कबीर साहब का एक सुंदर प्यारा सा दोहा है, जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू देर के और कूड़ा दूर साफ करने का। सत्संग का मतलब ही इतना है, साफ करना। जैसे घर की सफाई करते हैं ना, वैसे मन की सफाई कर दे, हृदय की सफाई कर दे, और जब हृदय एकदम पूरा साफ हो गया, पवित्र हो गया, राम जी ने भी रामायण में यही कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न, आया है कि नहीं आया है। राम जी कहते कि मुझे वो प्यारा है जो निर्मल मन वाला है। क्या हमारा मन निर्मल है? नहीं है ना, तो भक्ति नहीं हो रही है। और कबीर साहब कहते अगर ऐसा निर्मलता आ गई, अगर हमने अपने मन को निर्मल कर लिया, तो कबीर मन तो निर्मल भया और जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। परमात्मा के पीछे हमें नहीं, अगर मन निर्मल हो गया, मन सुंदर बन गया, हृदय पावन हो गया, तो परमात्मा हमारे पीछे आएगा, परमात्मा के पीछे हमें जाना नहीं पड़ेगा। मानस का कथा है, सबरी के दरबार में श्री रामचंद्र जी आते हैं। सबरी को परमात्मा के पास जाना नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस रामायण में दोनों में थोड़ा अंतर है। अंतर यूं है कि सबरी कभी भी भगवान के लिए तपस्या नहीं कर रही थी, न उसको पाने के लिए विनती कर रही थी, और न ही उसको पाने के लिए ललाई थी, और न ही सबरी ने कभी जूठा बेर खिलाई थी। याद रखना, वाल्मीकि रामायण में सबरी ने कभी जूठा बेर नहीं खिलाई, और न कभी भगवान को पाने के लिए वो तपस्या कर रही थी, वो तो साधिका थी, साधना कर रही थी। बल्कि श्री रामचंद्र जी है, वो खुद पता लगाते लगाते जा रहे थे और रास्ते में सबरी से मुलाकात होती है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये अंतर मैं बता दूं। लेकिन खास बात ये है कि रामचरितमानस के अनुसार सबरी के पास श्री रामचंद्र जी आते हैं, न कि सबरी राम के पास जाती है। काम यह करना है कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो, हमारा मन सुंदर बन जाए। अगर मन सुंदर बन जाता है तो प्रभु को, परमात्मा को भी हमारे दरबार में, हमारे घर में आना पड़ता है। ये परमात्मा क्या है? तो आत्म साक्षात्कार होना ही तो परम तत्व को पाना है। और जब ऐसे परम तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, तो साक्षात संत और गुरुजन रूपी परमेश्वर और ईश्वर और संत हमें दर्शन देने नित्य आया करते हैं। और गुरु कबीर ने तो यहां तक कहा, द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोय, और तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा। कबीर साहब की वाणी बड़ी अद्भुत अलंकारित। कबीर के साहब कहते कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे घर में भगवान आ गए, और घर में आकर के बाहर से आवाज लगाने लगे, द्वारे तेरे राम जी, तुम्हारे द्वार में राम जी आ गए, पुकार करने लगे, द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोय, ए कबीर, ए लोगों, तुम मेरे से मिलने के लिए आ। लेकिन आदमी इतना आलसी होता है ना, क्या कहना, आदमी सोचता है कि भगवान इतनी दूर से चल करके, अयोध्यापुरी से चल करके, साकेत लोक से चल करके, बैकुंठ लोक से चल करके मेरे गांव तक, भेंडरा तक आ गए हो,
मेरे घर के दरवाजे तक सड़क किनारे आ गए हो तो थोड़ा दरवाजा खोल करके अंदर भी आ जाओ। तो भगवान कहते कि साकेत से भिंडरा तक तो आ गया, बैकुंठ लोक से तुम्हारे धमतरीक तक तो आ गया, तुम्हारे छत्तीसगढ़ तो आ गया, लेकिन तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला मैं नहीं हूं। तो उसने कहा क्यों? तो तय तो सब में मिली रहा, मैं न मिलूंगा। तो सब में मिला हुआ है, इसलिए मैं तुमसे मिलने वाला परमात्मा पाना है, परम तत्व को पाना है, तो एक में मिलना पड़ेगा, अपने आप में जाना पड़ेगा। और गुरु कबीर ने तो इसके लिए एक और अद्भुत साखी कही। कैसे अद्भुत अद्भुत उनके मनोविज्ञान था। कबीर साहब ने कहा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। एक बार तो इससे भी गजब हो गया। राम ने अपने बुलावा भेज दिया, दूध भेज दिए साकेत लोक से। देखिए, हम भगवान को पाने के लिए रात दिन तपस्या करते हैं, यज्ञ यज्ञ करते हैं, और कबीर साहब कहते हैं कि इस भगवान ने, राम ने बुलाने के लिए अपना दूध भेज दिए। कैसे दूध भेज दिए? कि जा कबीर को बुला करके ला, बैकुंठ में उसको हम जगह देने वाले हैं, उसको बैकुंठ लोक देने वाले हैं। देव दूत को देख करके कबीर साहब रोने लग गए, भावुक हो गए। नहीं, मैं जाने वाला, जैसे बच्चा रोता है ना, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, आप बेटा कहे स्कूल चल, पढ़ाई कर, बच्चा कहता है मम्मी मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, कभी कभी रोने लगता है। एक बच्चों की बात याद आई, तो चुटकुला भी याद आ गया। एक स्कूल में मास्टर जी बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते अचानक स्वर्ग नरक की बात याद आई। तो मास्टर ने पूछा, बच्चों ये बता, इसमें जितने लोग बैठे हैं उसमें नरक कितने लोग जाने वाले हैं? नरक कितने लोग जाने वाले हैं? तो किसी बच्चे ने नहीं हाथ नहीं उठाया। अच्छा, आप लोग जाना चाहते हैं क्या? नहीं जाना चाहते हैं, बड़े समझदार लोग हैं। मास्टर ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा ये बता, इसमें से स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? तो एक बच्चे को छोड़कर सारे बच्चों ने उठाया। आप सब भी जाना चाहते हैं? स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते? भिंडरावासी लोग तो स्वर्ग में है, तो कहां स्वर्ग जाएंगे? यही तो स्वर्ग है ना। उस बच्चे ने कहा कि सभी बच्चों ने हाथ उठा दिया कि हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, एक बच्चे ने नहीं उठाया। मास्टर ने उसको पास में बुलाया, पीठ थपथपाया और पुचकारते हुए प्रेम से कहा कि बेटा क्या तुम नरक नहीं जाना चाहते? कहे मास्टर जी मुझे नरक जाना नहीं है। मास्टर ने पुनः पूछा कि बेटा बता, नरक नहीं जाना चाहते तो क्या स्वर्ग जाना चाहते हो? तो बेटा ने कहा कि मास्टर जी मुझे स्वर्ग भी जाना नहीं है। मास्टर ने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, ये बच्चा जाएगा कहाँ? उसने कहा कि बेटा तू जाना कहाँ चाहता है? बच्चा ने सुंदर जवाब दिया कि मास्टर जी, ना मुझे स्वर्ग जाना है, ना मुझे नर्क जाना है, छुट्टी की घंटी बजते ही मुझे अपना घर जाना है। हम सबको भी अपना घर जाना है ना, सत्संग खत्म होते ही तो कम से कम घर जाना है। तो कबीर साहब ने कहा कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। कबीर साहब कहे मैं बैकुंठ लोक नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो सुख साधु के संग में है, जो सत्संग में है, वो तो बैकुंठ में मिलने वाला नहीं है। आज वास्तव में इस भिंडरा ग्राम के इस धरा पे बैकुंठ लोक है, क्योंकि ये सत्संग ही तो बैकुंठ लोक है। लेकिन याद रखिए कि ऐसे बैकुंठ लोक में, ऐसे स्वर्ग में, इससे बढ़कर स्वर्ग कहीं मिलने वाला कैसे स्वर्ग है ये? यहां जितने लोग बैठे, किसी के मन में क्रोध नहीं है, किसी के मन में किसी प्रकार का पाप नहीं है ना, पवित्रता है सबके अंदर में, तो स्वर्ग तो है। लेकिन ऐसे स्वर्ग में भी लोग आना नहीं चाहता। एक बार नारद जी स्वर्ग लोग चले गए घूमते घूमते। नारद जी को जानते हैं ना कौन था? नारद जी प्रसारण मंत्री है, मीडिया विभाग उसी के अंतर्गत में है। पहले के जैसे आज है ना एबीपी न्यूज, निश 24, आज तक और जितने चैनल हैं, वो सारा हेड ऑफिस उन्हीं के पास था। सारा काम वही करते थे, खुद जाते थे सूचना देने। तो नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते तो स्वर्ग लोक चले गए।
जब स्वर्ग लोग गए तो देखते कि हाँ स्वर्ग में भी खाली खाली था, सूना दिख रहा था। तो नारद जी ने प्रश्न किया, अब यम लोग का जो देवता है वो यमराज है, यमराज से कहा कि यमराज भगवान कि आपका जो स्वर्ग लोग है खाली खाली कैसे लगता है। उसने क्या करो भैया, ये जो मृत्यु लोक का आदमी है ना, ये स्वर्ग आना नहीं चाहता है। कहे आदमी स्वर्ग नहीं आना चाहता है कि नहीं? अरे सभी लोग तो स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और आप करते हैं कि ये स्वर्ग आना नहीं चाहते हैं। यम लोक के देवता यमराज ने कहा कि मैंने तो बहुत प्रयास किया, अरे ऑफर पर ऑफर देते गया, सब्सिडी भी निकाल दिया, लेकिन कोई स्वर्ग आना चाहता? तो उसने कहा कैसे सब्सिडी देना चाहिए किए? अरे मैंने देखिए सतलोक में, द्वापर युग में, त्रेता युग में बड़ी कठिनाई से स्वर्ग लोग पाते थे, लेकिन कलयुग के लिए मैंने इतना सुंदर ऑफर दे दिया कि गंगा में नहा लो स्वर्ग मिल जाएगा, यमुना में नहा स्वर्ग मिल जाएगा, और राम नाम जप लो स्वर्ग मिल जाएगा, थोड़ा सा तपस्या कर लो स्वर्ग मिल जाएगा। मैंने स्वर्ग पाने के लिए बहुत सारे ऑफर निकाल दिया, फिर भी लोग आना चाहते नहीं है। नारद जी ने कहा कि प्रभु एक बार टाइम मुझे अवसर देकर देखिए, एक बार मैं जाकर के देखता हूँ, पता लगाता हूँ स्वर्ग जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते। देखिए आदमी मरता है ना तो सबके नाम में जरूर स्वर्गवासी लिख देते हैं, पता नहीं वो स्वर्ग गया कि नहीं गया, ना वो बताने वाला ना हम जानने वाला, सही कि नहीं? एक टाइटल है। और हर आदमी बोलता है कि हमें स्वर्ग जाना है, लेकिन बोल दे कि अभी जाना है तो कोई जाने के लिए तैयार होगा नहीं। तो नारद जी धरती पे आ गए, कहानी को कंप्लीट करके मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। बोले सद्गुरुदेव की जय। नारद जी धरती पे आ गए और धरती में जैसे आए तो सबसे पहले गांव के किनारे में ही कुछ बुजुर्ग लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। तो यही तो खाली पीली कौन पाएंगे जी, बुजुर्ग लोग तो बैठे रहते, कोई ताश खेल रहा है, कोई गप हाँक रहा है। देखिए पहले के जमाने में जब बुजुर्ग लोग हुआ करते थे ना तो आपस में चौरा में बैठ करके कभी आला उदल कथा करते, कभी रामायण की कथा पढ़ते, कभी महाभारत की कथा पढ़ते, एक पढ़ रहे बाकी लोग सुन रहे होते हैं। लेकिन आज किसी गाँव में जाकर के देखिए, ना आला उदल की कथा होती है, ना रामायण की कथा होती, ना भागवत की कथा होती, ना पुराण की कथा होती, केवल एक ही कथा होती है, ताश की कथा। और थोड़ा बहुत बज गया तो आजकल वो मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आज ना बूढ़े बचे हैं, ना बच्चे बचे हैं, ना जवान बचे, कोई नहीं बचा इससे, है ना? तो कुछ बस बूढ़े आपस में बैठ करके गप मार रहे थे। नारद जी आया और नारद जी ने कहा कि मैं स्वर्ग से सीधा आपके ही पास आया हूँ, क्योंकि आपकी उम्र भी 60-70-80 की हो गई है, चलिए आपको स्वर्ग ले जाने आया हूँ, चलोगे? तो सबने कहा कि हाँ हाँ स्वर्ग तो चलेंगे। नारद जी ने कहा चलिए तैयार हो जाइए। क्या इतनी जल्दी? अरे भाई रुको, स्वर्ग तो जाना चाहते हैं लेकिन थोड़े दिन समय तो दो, अभी हमारे पोती की शादी होने वाली है, अभी मंगनी बस हुई है, सगाई बस हुई है, एक ने कहा कि छोटा सा घर बना है उसको उद्घाटन भी तो होने दो, किसी ने कहा कि मेरे बेटे की शादी हुई है, अभी बच्चा का मुख भी नहीं देखा हूँ, नाती पोते का मुख तो देखने दो। आदमी इतना बहानेबाज है कि पूछना क्या। सभी बूढ़ों ने, आदमी मरते दम तक बिस्तर पे भी हो, शरीर में दर्द भी भरा हो, हॉस्पिटल पर ही पड़ा हो, लेकिन आदमी मरना चाहता नहीं है, आदमी मरना नहीं चाहता है। बहुत मनाने का प्रयास किया लेकिन किसी ने माना, कहे जाना तो चाहते लेकिन थोड़े दिन रुक जाइए, लेकिन मौत जब आएगी ना तो एक क्षण का टाइम देने वाला नहीं है, एक क्षण एक मिनट का भी टाइम देने वाले नहीं है। नारद जी हताश होकर के आगे जब बढ़े तो कुछ बच्चे फिर खेल रहे थे। उसने कहा कि बूढ़े लोग तो नहीं जाना चाहते, बच्चे लोग तो जाएंगे ना, क्योंकि बच्चा का मन बड़ा कोमल होता है, बच्चा का मन बड़ा सीधा होता है। बच्चे के पास गए, कहे बेटा तुम लोग क्या खेल रहे हो? कहे हम बच्चे लोग कैसे खेलते हैं, धूल मिट्टी में खेलते कि नहीं खेलते हैं, वो सब चीज नकली बना लेते हैं, गुड्डी गुड़ा बना लेंगे, मिट्टी के साग भात बना लेते हैं, हम लोग खेलते थे बचपन में, मिट्टी का ही धूल मिट्टी का ही साग भात बना उसी खाते भी थे, मतलब खाने का मतलब एक्टिंग करते थे, और जब खेलना बंद हो जाता उसी को मिटा देते, घर में आकर बोलते कि माँ भोजन दो, तो कभी की माता बोलते अभी तो खाकर आया था, है ना? तो बच्चे का अपना खेल होता है, उसमें अपनी मस्ती होती है, लेकिन याद रखिए कि बच्चों से बड़ा खेल हमारा, बच्चे वो धूल मिट्टी की खेल में मस्त है, और ये संसार रूपी धूल मिट्टी में भी हम लोग वही खेल खेल रहे हैं, इससे कोई बड़ा खेल हम लोग करते
बच्चे के पास नारद जी गए, बेटा कहे तुम लोग मैं जानते हो मैं कहां से आया हूं? हाँ हाँ हम जानते हैं तुम रामायण मंडली की नारद हो ना। देखिए बच्चे तो रामायण मंडली की नारद समझ रहा है। क्या बेटा मैं नारद तो हूँ लेकिन रामायण मंडली का नहीं, मैं तो सीधा स्वर्ग से आया हूँ। कहे क्यों आए हो? कहे तुम लोगों को लेने क्यों लेना चाहते हो? तुम वहाँ चलो, वहाँ सब कुछ मिलेगा, सब बढ़िया रहेगा। बच्चों ने कहा कि ऐसी धूल मिट्टी और ऐसे खेलने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहे नारद जी कहे वहाँ धूल मिट्टी होती नहीं है। बच्चों ने कहा कि ऐसी धूल मिट्टी अगर ऐसा खेलने को ना मिले, ऐसी आजादी ना हो, तो वो स्वर्ग किस काम का? बच्चे से तो भी हार करके नारद जी आगे बढ़ गए। कुछ जवान लोग मिले, जवान को देख करके नारद जी के मन में भी चमक आई कि जवानी में आदमी सब कुछ करता है, जवानी में पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, नौकरी करता है, शादी करता है, व्यापार करता है, आदमी हर काम जवानी में करता है, तो निश्चित ये जवान भी स्वर्ग जाना चाहेगा। नारद जी गया, जाकर के पूछे भाइयों क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? सब ने खुश होकर कहा हाँ हाँ हम जाना चाहते हैं। कहते चलो तैयार हो जाओ। उसने कहा इतनी जल्दी? अरे इसी साल तो शादी हुई है, अभी तो सुख भी नहीं भोगे हैं। एक ने कहा इसी साल तो मेरी नौकरी लगी है, थोड़ा कमाने दोगे, एक घर बनाने दोगे? कहे थोड़ा सा टाइम तो दो। सारे जवानों को पूछ लिया लेकिन कोई जवान जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। नाराज होकर के, हताश होकर के नारद जी वापस ही लौटने वाले थे। गांव के बाहर में एक सुअर को लौटते हुए देख लिया। तो सुअर कहां लौटता है पता ना, गंदगी में। उसने सोचा कि ये इंसान तो जा ही नहीं रहा है, चलो इस शुक्र भगवान को ले जाऊं, क्योंकि विष्णु का ये भी एक अवतार है, इसी के पास जाकर के पूछूं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, शुक्र भगवान नमस्कार। जो सुअर है ना करते हुए ऊपर सिर मुख ऊपर करता है। जब ऊपर करता है तो उसने कहा कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? उसने पूछा स्वर्ग जाना चाहते कि हाँ, लेकिन एक शर्त है। शुक्र ने कहा कि एक शर्त है। सुअर ने कहा एक शर्त है तभी मैं जाऊंगा। उसने क्या? ऐसे डल्लब की गद्दा वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और सवेरे सवेरे जो भी मुझे ब्रेकफास्ट मिलता है ना, सुअर का ब्रेकफास्ट जानते हैं मोदी जी ने थोड़ा कम कर दिए हैं, क्योंकि सबके घर में शौचालय खुल गया है। अब शौचालय खुल जाने से जो सवेरे सवेरे आपके गांव में जो ब्रेकफास्ट मिलता था वो सुअर का अब कम हो गया है। तो शुक्र भगवान ने कहा कि ये ब्रेकफास्ट मिलता है ना गंदगी। नारद जी के अरे तू ये क्या कहता है कि स्वर्ग में सब सुख चीज मिलेगा, सब चीज बढ़िया बढ़िया रहेगा, लेकिन ये गंदगी मिलने वाली नहीं है, और ना ये तुम्हारा डल्लब का गद्दा है ना बिल्कुल लग्जरी कार, ये भी मिलने वाला नहीं है। शुक्र भगवान ने कहा तो ऐसे स्वर्ग को मैं लात मारूं। ये स्वर क्या है पता है? ये हमारा गंदगी से भरा हुआ मन ही स्वर है, जो संसार रूपी गंदगी में ही पड़ा रहना चाहता है, लेकिन सत्संग रूपी स्वर्ग में आना चाहता नहीं है। हमारे संत कह रहे थे ना कि यहाँ पर अर्जुनदा का नाच हो तो पूरा पंडाल भर जाएगा, लेकिन आदमी अगर सत्संग कराए तो सत्संग में लोग आना नहीं चाहते। तो मैं कह रहा था कि आपन पाओ आप ही बिसरियो, जैसे स्वान काच मंदिर में भर मित भूष मरियो। ये जो आत्मा का परिचय न होने के कारण, अपने आप को न जानने के कारण सारा भ्रम होता है। अगर ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, इसलिए तीन चीज को पढ़ना जरूरी है। आपको किताब पढ़ना आए या ना आए, आपको कोई पुस्तक पढ़ना आए या ना आए, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन तीन चीज को पढ़ना सीख लीजिए। और इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, किसी विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है, केवल समझ की जरूरत है। पहला है अपना मन पढ़ना सीख जाओ, दूसरा दूसरों का दिल समझना पड़ जाओ, और तीसरा प्रकृति को पढ़ना सीख जाए। जो प्रकृति को पढ़ गया वो आदमी सब चीज को पढ़ सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ विद्वान भी इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, वकील बन गया है, मिनिस्टर बन गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ना अपने दिल को पढ़ पाता है, ना अपनी पत्नी के दिल पढ़ पाता है, ना अपने परिवार वालों का दिल पढ़ पाता है, और न ही इस प्रकृति को पढ़ पाता है। इसलिए वो खुद के जिंदगी को तबाह करता है, परिवार के जिंदगी को तबाह करता है, और इस सृष्टि को भी वो तबाह करता है। अंतिम बात कहते हुए जाऊंगा, परसों ही मैं एक घर में रुका हुआ था, यहां से ठीक सारंगगढ़ के पास में, तो छत में मैं देखा क्या कि बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग थे, सब अपटूडेट थे, शादी में आए हुए थे, लेकिन जैसे खाते और खा करके जहां तहां इतना फेंक करके गंदगी किए कि नरक भी फेल। पूरी गंदगी से जो जगह इतना पवित्र दिख रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था, चंद घंटों में मिनटों में इतनी गंदगी बिखर गई।
कि क्या पूछना, वो ये गंदगी किसने किया, पढ़ा हुआ इंसान करता है। ये गंदगी समाज में भी फैलाता है, देश में भी फैलाता है, इंसान स्थान में भी फैलाता है। इसलिए आदमी सदैव गंदगी पैदा करना जानता है। और संत गुरुजन यही कहने आते हैं कि तुम अपने को जानो, दूसरों को पहचानो और प्रकृति के साथ जीना सीखो, तो हमारा जीवन पावन हो सकता है। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोले सद्गुरु देव की जय। मैं सुबह भी कहा था, कबीर विचारों में सिर्फ ठोकर मारा जाता है। अंदर एक प्यास जग जाए, अंदर एक चेतना जागृत हो जाए, ऐसा एक प्रयास किया जाता है। करना आपको है, बदलना आपको है। समय काफी हो चुका है, समय काफी हो चुका है और आप लोग शांति से बैठे रहे। लगता है टाइम हो रहा है, इसलिए उठ उठ के जा रहे हैं। आइए समय न गमाते हुए एक छोटा सा पद रखने के लिए निवेदन है संत श्री भुवनेश्वर साहिब जी से। आप एक छोटा सा पद रखें, उसके पश्चात भुवनेश्वर साहिब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों श्रद्धा मोदी, आइए भजन प्रस्तुत है। लख चौरासियो नीला भटक के ए मनुष्य तनिला पाए हन, मोह माया के बंधन में सकड़ के सतगुरु के भजन ला भुलाए हन। ए साधन मोक्ष की धाम गभिया, कही थे संत गुरु ज्ञानी, लोक पर लोक हे सतगुरु के चरण मा, हे गुरुवर के अमृत वाणी। जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, हाँ हाँ मोर भाई, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, जिंदगी राहत ले भाई, कर लय तय धर्म कर्म ला, दुनिया ले सब ला हे जाना, हाँ हाँ मोर भैया, दुनिया ले सब ला हे जाना, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, हाँ हाँ मोर भाई, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना। माटी के ये काया है, माटी माटी मिल जाए, झन कर बे पीरे था गुमाना, हाँ हाँ मोर भाई, झन कर बे पीरे था गुमाना। चोला तोर संग नहीं जावे, काया तोर संग नहीं जावे, हाड़ा तोर गंगा में बहाना, हाँ हाँ मोर भैया, हाड़ा तोर गंगा में बहाना। जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, हाँ हाँ मोर भाई, जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना। चोला तोर संग नहीं जावे, काया तोर संग नहीं जावे, हाड़ा तोर गंगा में बहाना, हाँ हाँ मोर भैया, हाड़ा तोर गंगा में बहाना। आही एक दिन लेनहारी, लेके सब ले चल जाही, नहीं चल ही का करो बहाना, हाँ हाँ मोर भैया, नहीं चल ही का करो बहाना।
जीवरा तोरी कलपत रहित कई में नहीं नहीं जावा आखिले असला बहाना। हाँ हाँ मोर भैया आखिले असला बहाना। जिंदगी के नहीं है ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हाँ हाँ मोर भाई जिंदगी के नहीं है ठिकाना। करनी के तय फल पावे मुड़ धर के रोवत रहिबे, दुनिया में दो दिन है रहना। हाँ हाँ मोर भैया दुनिया में दो दिन है रहना। अभी बेरा है भाई गुरु के तय नाम सुमर ले, नहीं पड़ी ही पाछू पसताना। हाँ हाँ मोर भाई नहीं पड़ी ही पाछू पसताना। जिंदगी के नहीं है ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हाँ हाँ मोर भैया जिंदगी के नहीं है ठिकाना। जिंदगी राह दिले भाई कर ले तय धर्म करमला, दुनिया ले सबोला ही जाना। हाँ हाँ मोर भैया दुनिया ले सबोला ही जाना। जिंदगी के नहीं है ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सदगुरुदेव की। बहुत कम आवाज है। चलिए एक बार और ट्राई अगेन। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। वंदनी संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, आज बसेरा नी अरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहब एक पहुंचे हुए संत थे। सदगुरु कबीर साहब जी लहर तारा के किनारे एक शिशु के रूप में नीरू और नीमा को मिला। सदगुरु कबीर का बचपन नीमा की गोद में उनके आंचल में बीता। जब से सदगुरु कबीर साहब जी ने होश संभाला, कुछ जानने और समझने लगे, तब से बाल्यकाल से ही संतों और गुरुजनों का संग साथ किए, अनेक मत मजहबों के संतों गुरुजनों के पास जाकर सीखे, समझे, उनकी पूरी जिंदगी और पूरा जीवन साधनामय रहा, पूरे जीवन को खपा दिया। संतों के बीच उठते बैठते ज्ञान की चर्चा करते, उन्हीं अपने जीवन के निचोड़ को, जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया, उन्हीं अनुभव की बातों को अपने बीजक ग्रंथ में निचोड़ कर रखा। साहेब कहते कि आज बसेरा नी रे हो रमैया राम। हे रमैया राम, ऐ लोगों, आज तुम्हारा बसेरा बहुत निकट है। ये मनुष्य का जीवन मिलना ये परम सौभाग्य की बात है। सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य के शरीर के साथ साथ स्वस्थ और सुंदर शरीर मिला। आपकी सारी इंद्रियां अच्छी हैं, फिर भी यदि हम अपने जीवन की कीमत को ना समझ सकें, अपने आप को ना जान सकें, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा।
मनुष्य की सरीखा तो हम सब दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? मनुष्य की सरीखा दिख रहे हैं। ये हीरा सरीखा मनुष्य मिला, मनुष्य का जीवन मिला, लेकिन इस हीरे के समान इस शरीर को, इस जीवन को हम पानी के भाव बेच रहे हैं। कहीं बाजार पे आप जाएं और कोई सामान, कोई सब्जी या कोई चीजें बहुत सस्ती हो जाए, तब वो हम उस चीजों को हम अच्छा भाव से नहीं देखते। ऐसी ये कीमती शरीर, कीमती जीवन को हम पानी के भाव बेच रहे हैं। आज मनुष्य के साथ छल कर रहा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ठगने में लगा है। दूर मत जाइए, अपनी भारत की इस दशा को देखिए। ये महान देश, धर्म की नगरी, धर्म गुरु कहलाने वाले देश, महापुरुषों के द्वारा सींचा हुआ ये देश, जहां की धरती पे गंगा, जमुना, सरस्वती और अनेक पवित्र नदियां बह रही, खल खल झरझर करती नदियां बह रही, सुंदर प्रकृति का नजारा। लेकिन मनुष्य का मन, उसका दिल और दिमाग बिगड़ा हुआ है। एक दूसरे को बर्बाद करने में, एक दूसरे को नष्ट करने में हम तुले हुए हैं। ये भारत देश, ये धर्म नगरी का देश, जहां देखो तहां धार्मिक अनुष्ठान, ज्ञान की चर्चा, संतों और ऋषियों का ये देश, फिर भी इस देश में कैसे कैसे अनहोनी घटनाएं घट रही है। एक भी दिन का समाचार और अखबार पत्र नहीं होगा जिसमें मां बहनों की बलात्कार, हिंसा, लूट, चोरी, हत्या, व्यभिचार की घटनाएं न घटती हो। इन मनुष्यों को हो क्या गया है? अमन और चैन की जिंदगी जीना ही भूल गया है। हर मनुष्य इतनी अपनी अपनी जवाबदारी ले कि मैं अपने जीवन को सुव्यवस्थित और सुंदर जीऊंगा। आज हमारा जीवन अव्यवस्थित हो गया है। मनुष्य सरीखा दिख तो रहे हैं लेकिन मनुष्य नहीं है। मनुष्यता के पीछे दानवता छिपा हुआ है। हर आदमी अपने अंदर को झांके कि मेरे विचार कैसे, मेरे अंदर कैसे भावनाएं उठ रही है। ऐसे ऐसे खतरनाक और डेंजर विचार हमारे अंदर आता है। किसी की चीजों को देखकर मन फिसल गया, किसी मां बहनों को देखकर आदमी कुदृष्टि कर लिया, कहीं चोरी, कहीं व्यभिचार। इन अनहोनी घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा है? ये घटनाएं घट कहां से रही है? क्योंकि हमारा जीवन विकारों की ओर बह रहा है, गलत दिशा की ओर हम जा रहे हैं। गलत काम करने में बड़ा मजा आता है। गलत कर्म आप चाहे अकेले में करें या बाजारों में करें, भीड़ में, उनका परिणाम, अंजाम और नतीजा तो जीवन में आना ही है। आइए थोड़ा सा एग्जांपल से समझें। जैसे हम लोग, जिसके यहां रुके हैं क्या नाम है, जैसे हम लोग जब आए यहां भिंडरा में, जैसे ही कदम रखे सीधे हम लोग जितने साथी आए, 3-4 लोग भूषण भाई के घर गए। अब उसके घर गए और मान लो मैं भूषण भाई के रूम में घुसकर उसकी कमीज की जेब से 500 रुपया चुरा लिया। देखो भाई, चुराया नहीं, बता रहा हूं एग्जांपल को, एग्जांपल की तरीका समझे। भूषण भाई हो तो चेक कर लेना। मान लो मैं उसकी जेब से 500 रुपया चुरा लिया। अब मैं चला गया अपना आश्रम नावपारा राजीव। हफ्ते 10 दिन बाद कहीं भूषण भाई नावपारा आश्रम पहुंच गए,
जैसे भूषण और मेरी नजरें मिलेगी, चार होगी आंखें, तो सबसे पहले मुझे वही बात याद आएगी कि भिंडरा में मैं गया था तो भूषण भाई की जेब से 500 रुपया चुरा लिया। इस घटनाओं को बीते साल भर, दो साल, कई साल हो गए, लेकिन जब जब और कहीं भिंडरा से घूमते घामते कहीं हमारे भागेश भैया चले गए, कोई और चले गए, पूछा कि भाई साहब कहां से आए, अरे भिंडरा से आए, जैसे वो भिंडरा कहेगा फिर मुझे वही याद आएगी कि वहीं गया था तो किसी की जेब से मैं 500 रुपया चुरा लिया। ये गलत कर्मों की जो छाप होती है वो बहुत ही खतरनाक होता है। आदमी को कोई थोड़े दुखी करता है, उनके गलत कर्म कुछ अनहोनी कर्म होते हैं जो बार बार मन को कुदेरता है, कसकता है। आदमी अपनी जवानी में उन्माद और प्रमाद में पड़कर ऐसे ऐसे अनहोनी घटनाओं को अंजाम देता है, जिंदगी बीत जाती है। जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम क्षणों पर आदमी जब खाट पर, बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है और अपने जीवन की जवानियों में, अपने बीते हुए समयों में जो गलत काम किया रहता है, गलत कर्म किया रहता है, वही चलचित्र की तरह आदमी की नजरों के सामने होता है। फिर अपना किया हुआ कर्म ही अपने को बड़ा भयावह, हाय मैंने क्या किया, आदमी उस समय तड़पता है, उसका मन मचलता है, दुखी और अशांत होता है, लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो जिंदगी शेष बची है, इस जिंदगी को होश पूर्वक जियो। अधिकतम लोगों की जिंदगी बेहोशी में बीत रही है, अज्ञान की नींद में, वासनाओं की धारा में आदमी बहे जा रहा है, इस संसार की मोह माया में आकंठ डूबे हुए लोगों को संत गुरुजन जगाते हैं, होश में लाते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को सुनना चाहे तब, ज्ञान ध्यान की बातें तो लोगों को सुहाता नहीं। संतों की असीम अनुकंपा, संतों की कृपा दृष्टि तो सब पर है, हमारी कृपा हमारे पर नहीं हो रही। तो आज मनुष्य का जीवन मिला है, परम सौभाग्यशाली है, भजन करे, सत्संग करे। कहा जाता है जो व्यक्ति अपनी मां के गर्भ में होता है, मां की गर्भ इतनी सकरी गली, वहां पलने वाला बच्चा एक रूपक है, वहां पलने वाला बच्चा भगवान से निवेदन, वंदना, प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जिस किसी प्रकार से इस मां के गर्भ से मुझे सुरक्षित निकाल दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा, पूजन करूंगा, कीर्तन करूंगा। और जैसे ही बच्चा मां के गर्भ से आता है, माया की हवा लगती है, भजन पूजन सत्संग सब भूल जाता है। फिर इसी रंगीन दुनिया में, इसी रंगीन संसार में आदमी भूल जाता है। हम सोचते संत लोग जी कृपा करते तो हमारा कल्याण हो जाता, संत लोगों तो कृपा कर ही रहे हैं। आइए एक थोड़ी छोटी सी चुटकुला आप लोगों को सुनाऊं, ये कहानी थोड़ी अटपटी सी है, ध्यान से सुनिएगा। दो दोस्त थे और दोनों दोस्त रास्ते रास्ते चल रहे थे। एक बार और बता देता हूं, सावधानी से सुनिएगा। दोनों दोस्त रास्ते रास्ते चल रहे थे, एक दोस्त के कंधे पे ऐसे झोला लटका था। उसके एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से 3 क्वेश्चन करते हैं, आइए मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन करते हैं, यदि तुम ये बता दो कि मेरे झोले में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे। ट्राई अगेन, एक बार फिर सुन लीजिए। उसका दोस्त कहता है कि यदि तुम ये बता दो कि मेरे झोला में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे। ये उसका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करता है, उसकी संख्या बता दो, उसकी गिनती बता दो तो 8 अंडे तुम्हारे। तीसरा और अंतिम प्रश्न करता है, यदि तुम ये बता दो कि अंडा किस जानवर का है तो मुर्गी भी तुम्हारे।
उसका दोस्त कहता है कि अरे यार तुम्हारे सवाल भी बड़े अटपटे हैं, कैसे कैसे तुम सवाल करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। शायद आप लोगों को बात समझ में आ गई, इस झोला में क्या है बता दोगे तो सारे अंडे तुम्हारे अंडे ही हैं, उसकी गिनती बता दो, उसकी संख्या बता दो तो आठों अंडे तुम्हारे आठ ही अंडे हैं। और ये अंडा किस जानवर का है बता दो तो मुर्गी भी तुम्हारे आपके भेंडरा में मुर्गा अंडा तो नहीं देता है ना। सारी बातें कितनी सरल, उसी में क्वेश्चन उसी में आंसर। ऐसे संत गुरुजन जब हमारे समीप आते हैं हमारे पास आते हैं तो अपनी जीवन की निचोड़ बताते हैं। एक होती है पहलवानों की परंपरा और दूसरी होती है संतों की परंपरा, दो परंपराएं होती। यदि कोई पहलवान है अखाड़ा का उस्ताद है, यदि वो सौ दाव पे जानते होंगे तो अपने चेलों को वो सौ का सौ नहीं बताते, ज्यादा ज्यादा बता देंगे अधिक से अधिक तो 99। ये क्यों नहीं बताता कि पता नहीं बेटा कहीं समय पड़े तो मुझे ही ना पछाड़ता। लेकिन संतों के पास संत हृदय नवनीत समाना, संत के पास संत तो वही है जिसका हृदय में उदार हो, सरल हो, विनम्र हो, अंदर बाहर एक हो। यदि ये स्थिति जिसमें भी है, चाहे वो फुल पैंट शर्ट हो या साड़ी ब्लाउज पर हो, सब संत है। और यही हमारे जीवन को बनाना है। अपने न जाने कितनी बार जिंदगी मिली, हर जीवन में सिकवा शिकायत लड़ाई झगड़ा प्रपंच में ही हम पड़े रहे। देखो हमारी माताएं हमारे सामने बैठी, हमारी बहनें बैठी है, इन माताओं को देखो कैसे मैचिंग मिलाती है। कोई कोई भाई लोग भी मिलाते हैं, जैसी हमारी माताओं की साड़ी होती है वैसे बिंदी का कलर होता है, चूड़ियां भी होती है, नेल पॉलिश भी वही, कुछ ब्यूटी पार्लर भी होकर हम लोग आ जाते हैं। इससे क्या होता है शरीर सुंदर लगता है। मेरी माताओं से भी निवेदन, आप घर में भी मैचिंग मिलाइए, अपने पति से मैचिंग मिलाइए, सासू माँ से तो और ज्यादा मैचिंग मिलाइए गहरा रंग, घर के हर सदस्यों में मैचिंग मिलाइए। जब वहां मैचिंग मिल जाएगा तो फिर क्या पूछना। दूसरी बात, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों पर फंक्शन पर, तब क्या करते हैं जाने से पहले बढ़िया से सजते धजते हैं, भाई लोग फेयर हैंडसम लगा लेते हैं, बहनें लोग फेयर लवली लगा लिए, बिल्कुल व्यवस्थित हेयर स्टाइल देखेंगे, साड़ी ब्लाउज सब व्यवस्थित करके, भाई लोग भी अच्छे टाई कोट लगाकर सूट बूट जूता मोजा लगाकर घर से निकलने से पहले आईना के पास ऊपर नीचे दाएं बाएं एकदम फिट जब लगता है तब हम लोग कहीं बाहर निकलते, हाँ अब पूरा हुआ। ऐसे ही जीवन को भी सुंदर बनाइए, जीवन को भी व्यवस्थित करिए, फिर आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा, आपके जीवन से सुगंध ही आएगी। रिश्तों में विश्वास हो, विश्वास की डोर न टूटने पाए, तभी तो घर परिवार बढ़िया चलता है। जो व्यक्ति घरों में ही उलझा है, घरों में ही लड़ाई झगड़ा है, वो धर्म और भक्ति के क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके घर में आप व्यवस्थित रहें। तो आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, आज मनुष्य का शरीर मिला है, भजन और सत्संग करने का आपके पास अवसर है। इस जीवन को हम पूरी जिंदगी को हाय तौबा में जीते। एक बार की बात है, सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था और सम्राट अकबर का मंत्री कौन है, बीरबल। सम्राट अकबर बीरबल से पूछते हैं, क्यों जी बीरबल बताओ जी ये मेरे हथेली में बाल क्यों नहीं है। बीरबल कहता है कि सरकार आपके हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत दानी हैं, बहुत दान करते हैं,
आपके हथेली के बाल दान देते देते झड़ गए। सम्राट अकबर दूसरा प्रश्न ठोका, अच्छा ये बताओ तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं? बीरबल कहता है बहुत तेज तर्रार आदमी था, तभी उसको सम्राट अकबर मंत्री बनाए थे। आज के जमाने में तो हमारे भारत देश का मंत्री अंगूठा छाप भी बनता है, एक अक्षर पढ़ा लिखा ना हो तब भी मंत्री बनता है, शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री। और दूसरे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो चपरासी भी नहीं बन सकते। कैसे हमारे देश की नीति है, कैसा शासन है। तो सम्राट अकबर पूछता है कि तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं? बीरबल तो बहुत तेज तर्रार था, तुरंत हाजिर जवाब देता है कि सरकार हुजूर आपके हथेली के बाल दान देते देते झड़ गए और मेरे हथेली के बाल दान लेते लेते झड़ गए। सम्राट अकबर तीसरा प्रश्न पूछता है, अच्छे बताओ ये जो जनता जनार्दन बैठी है उसके हथेली में बाल क्यों नहीं है? बीरबल कहता है कि सरकार आपके हथेली के बाल दान देते देते झड़ गए, मेरे हथेली के बाल दान लेते लेते झड़ गए और आप दिए मैं लिया, उसको देखकर ये जनता बैठी पछताने लगे और हाथ मनने लगे, हाय मुझे नहीं मिला, हाय मुझे नहीं मिला। तो इनके हथेली के बाल हाथ मलते मलते झड़ गए। तो जीवन को इस कदर जियो कि जीवन के अंतिम क्षणों में अंतिम पड़ाव पर आपको पश्चाताप करना न पड़े, आपको ये अनुभव ना हो कि माता पिता तो मिले थे लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, संत गुरुजनों का सत्संग भजन नहीं कर पाया, जीवन में दान धर्म नहीं कर पाया, दीनहीन गरीबों को कभी खिला पिला नहीं पाया। ये अवसर है पुण्य करने का। आपको आंखों से आपकी नजरों से जितनी चीजें दिख रही है, जितने प्राणी और पदार्थ दिख रहे हैं, एक दिन आपकी आंखों से ये ओझल हो जाएगा। आपकी संपत्ति, आपकी बिल्डिंग, आपकी बड़ी बड़ी अट्टकालिकाएं धरी की धरी रह जाएगी। आप खाली हाथ नंगे बदन इस संसार से विदा हो। आपका धन क्या है? जो दान करते हो, धर्म करते हो, वही आपका धन। जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं, आप नगद कैश लेकर जाते हैं बैंक में जाते हैं तो किसको देते हैं? कैशियर को देते हो तो कैशियर के लिए नहीं देते हो, कैशियर आपका केस लेता है, आपके अकाउंट पर वो डिपॉजिट कर देता है। वैसे ही हम किसी को दान देते हैं, धर्म करते हैं, वो हमारे धर्म के खाते पर जाता है। आप लोग खाता खुलवाएं कि नहीं खुलवाएं आप लोग जानिए, धर्म का खाता खुलवाइए। यहां का तो फिक्स डिपॉजिट बैंक बैलेंस जहां का तहां रह जाएगा। इसलिए जीवन में कुछ कर गुजरने की सोचिए, ये जो संकल्प लें कि हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, धार्मिक व्यक्ति का यही लक्षण होता है। उसके अंदर दया हो, क्षमा हो, ये भाव जब आपके अंदर आएगा तभी आपका जीवन सुंदर बनेगा। जिंदगी तो सब जी रहे हैं, आप जी रहे हैं, आपको सांस लेने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। और जिसको प्रयास करना पड़ता है तो फिर सीधा आईसीयू में जाकर ऑक्सीजन लगवाता है, आसानी से सांस चल रही है, हवा भी मुक्त में मिल रहा है। जैसे बिजली का बिल होता है ना, मीटर लगाते थे कितना चला, वैसे कोई नाक के सामने मीटर लगाता था बहुत पैसा पटाना पड़ता, लेकिन प्रकृति के ओर से फ्री में मिला है। इस जीवन को आप समझें, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। एक दिन हम और आप सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आज जितने जिंदे लोग दिख रहे हैं, जिसके अंदर सांस चल रही है, एक दिन हम लोगों को उस मरघट का मुसाफिर होना है। किसी शायर ने कहा है, खामोश होगी जमी, खामोश होगा आसमां, जिस दिन बुझ जाएगा जिंदगी की समा। थी छांव बहुत अधिक, थी छांव बहुत अधिक, पर मेरी किस्मत धूप पड़ी, कल देखी थी बारात जहां पर, अर्थी उस घर आज खड़ी। हंसते हैं सितारे की गगन बदला है,
चहकते हैं पंछी की चमन बदला है, लेकिन मौत की खामोशी यह कहती है लाश वही है सिर्फ कफन बदला है। ऐ मुसाफिर बांध बिस्तर कमर कस तैयार हो, मौत है सिर पर खड़ी गाफिल न हो होशियार हो। बहुत कमाए हीरे और मोती, बहुत कमाए हीरे और मोती, मगर क्या करें यारों कफन पर जेब नहीं होती। जिंदगी को मौत का पीना है जहर, हर वक्त हर सांस पर कहर ही कहर है। चांद पर भले ही तुम बसा लो दुनिया, शायर क्या कहता है, चांद पर भले ही तुम बसा लो दुनिया। मैं सुना हूं कि अब चांद पर प्लाट बिकने लगा है, आप लोग चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं, आप लोग खरीद लेंगे तो हम लोगों को भी शायद ऊपर जाने का मौका मिल जाएगा। तो शायर कहता है चांद पर भले ही तुम बसा लो दुनिया, अंत में इंसान का मरघट ही शहर होगा। सबको एक दिन छोड़ के जाना है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम जैसे जिंदा लोग देखते हैं तो कहते हैं कि बेचारा चला गया। एक दिन हम भी जाएंगे, फिर जिंदा लोग कहेंगे वो बेचारा चला गया। कितने लाशों को आपने कंधा दी, कितने लोगों को जलाया, कितने लोगों को दफनाया, लेकिन आज भी हमको समझ नहीं आ रहा। डोली हर किसी की नहीं सजती, डोली हर किसी की सजती है नहीं सजती है। डोली जैसे कोई जन्म लिया, पढ़ा लिखा तो नौकरी लगना कोई जरूरी नहीं है, या किसी किसी की शादी होना भी जरूरी। देखो हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे संत जन ऐसे ही हैं। तो डोली तो हर किसी की सजती है, डोली हर किसी की नहीं सजती। बार बार मिस हो रहा है, लेकिन अर्थी हर किसी की सजती है। जिनकी बरही हुई है, अब देख लो भाई किसकी किसकी छठी वट्ठी नहीं हुई हो, तो शायद सब लोगों की हुई है, हम लोगों को पता नहीं, पूछना पड़ेगा माता पिता से हुई कि नहीं हुई। तो जिसकी बरही हुई है उसकी तेरही निश्चित है। जन्म लेना ही ये सिद्ध करता है कि एक दिन मौत होगी। जन्म कभी जीवन भी है तो मृत्यु भी है। जहां से जिंदगी की शुरुआत होती है वहीं से मौत रूपी कुदारी कब्र खोदना प्रारंभ करती है। जितना हम जीते उतना मरते भी हैं। देखो यहां पर बैठे हैं, जितना जिए उतना मरे भी हो। देखो भाई कैसे साहेब मरे कहे, चलो मैं बता देता हूं। जिस दिन आप मां के गर्भ से पैदा हुए उस दिन 10 के थे कि 20 के थे, 10 साल के थे कि 20 साल के थे, बहुत छोटा सा नन्हा सा शिशु, बालकपन, कौमार्य अवस्था, जवानी, कहां गए वो दिन जब आदमी के जन्मदिन मनाते हैं, माता पिता गर्व से कहते कि मेरे बेटा 20 साल का हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ छोटा हो गया। जितनी हम जिंदगी जीते हैं उतनी उम्र घटती चली जाती है, और धीरे 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 हम और आप सब मौत के करीब हो रहे हैं। इसलिए जिंदगी का दीपक बुझे उसके पहले अंदर में ज्ञान की दीपक आप जला लें, यही आपकी जीवन की सार्थकता। तो इसलिए आप सबसे पुनः मैं निवेदन करता हूं कि जिंदगी को प्रसन्नता पूर्वक जिए। प्रसन्नता आपका अधिकार है। जीवन में सुख है दुख है जैसी भी परिस्थिति आए बस प्रसन्न रहिए, आप होना ही है। जिंदगी तो बीत रही कुछ और बाकी है, अपने जीवन को मर्यादा पूर्वक जीने। कभी भी ऐसा काम न करें कि आपको सर छुपाना पड़े, आपके कारण आपकी माता पिता की इज्जत और आबरू बिके। अधिकतम आज की जनरेशन में हम देख रहे हैं कैसे बच्चे अपने तुच्छ स्वार्थों को लेकर माता पिता की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। जहां हम गलत किए आदमी माफ कर सकता है, लेकिन प्रकृति माफ नहीं करती है। गलती किए चाहे जाने में करो अनजाने में करो, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोगों का फेस चेहरा हमारे तरफ है, आप लोगों को पीछे से आकर कोई गुदगुदाए तब क्या आएगी, आप लोगों को क्या आएगी, हंसी आएगी।
कोई गुदगुदाता है तो हंसी आती है। और एक उदाहरण है, यहां से आप उठकर चलने लगे, आपके पैर में कील चुभ गए, कांटा चुभ गए, तब क्या महसूस होगा? दर्द होगा, पीड़ा होगी। वैसे हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, हमारे जो नेक कर्म होते हैं, वो हमको गुदगुदाता है, और हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो हमको कांटे की तरह चुभता है, कोई जाने या ना जाने। जैसे हम लोग इतने लोग बैठे यहीं पर, एक लारी कहीं पुलिस आ गई तो जो किसी की चोरी करके, हत्या करके या कोई गलत गुनाह करके बैठा होगा, उसके माथे पे पसीना आ जाएगा। भले पुलिस नहीं जानती को अपराधी यहीं बैठा है, लेकिन हमारा किया हुआ कर्म हमको बताता है कि वो हमको ही पकड़ने आए। इसलिए जो जिंदगी शेष बची है, कुछ सांसें बची है, कुछ जीवन के अनमोल क्षण बचे हैं, धर्म करें, भक्ति करें, गलत कामों से परहेज करें, जो हुआ सो हुआ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, एक नई सवेरा। जब भी आप सोने चलते हैं तो समझिए मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है, पता नहीं कल का सूरज मैं देख पाऊं ना पाऊं। जिंदगी को होश पूर्वक जीने की आवश्यकता है, बेहोशी में बहुत क्षण बीत गए, जागे आप। इसीलिए हम लोग सत्संग करते हैं, वरना यहाँ का टाइम पास करने का क्या मतलब है? एक दिन, दो दिन, चार दिन सत्संग करेंगे तो उनमें थोड़ा सा ठोकर लगता है। बार 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 आप सत्संग करेंगे, अच्छे चीजों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तब जाकर मन अच्छे कामों के लिए राजी होता है। आज इतना ही, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी तो फिर अगली चर्चा होगी। बोलो सद्गुरुदेव की जय। दुद्विषी सत्संग।